सर मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ आप यहां करके दिखा दें सब भी देख लेंगे आ, ओके ओके चलें आप कर लें स्क्रीन शेयर इट्स ओके बल्कि हम लेक्चर के एंड पे कर लेंगे अभी नहीं ठीक है सिद्धा आपकी इंटरनेट का इशू होगा आई थिंक बाकियों को आवाज़ क्लियर आ रही है चले हम स्टार्ट करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हो गए हैं ठीक है सिक्सटी प्लस हो गए आई थिंक दैट्स इनफ तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाकी आना होगा दस मिनट तक मैं डेली वेट करता हूँ ठीक है कि आ जाएं अगर नहीं आते तो इट्स अप टू देम ठीक है और फिर हम देखते हैं अच्छा अब मैं फॉर एग्जाम्पल टॉपिक सिलेक्ट करना है अब मैं टॉपिक सिलेक्ट कर चुका हूँ वो अब आपकी डोमेन है आपने अपना कौन कौन से टॉपिक रखना है हम उस चीज पे नहीं जाएंगे ठीक है अब टॉपिक सिलेक्ट हो चुका है वो जो मैंने कल बताया था मैं उस पर लिखता हूँ बायाथॉन प्रोडक्शन वगैरह अब सबसे पहले आपने क्या करना है मुझे बताए सबसे पहली चीज आप लिखेंगे क्या ये अब आप लिखने लगे हैं मैंने आपको इस तरह कुछ पढ़ाया अब आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताना है ठीक है आज आप लोगों ने साथ साथ हर चीज मेरे करनी है बताएं सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कीवर्ड लिखेंगे नहीं कीवर्ड नहीं लिखेंगे दोबारा सोचें लिखना क्या है आप लोगों ने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट है सबसे पहले काम क्या है आपका टाइटल नहीं टाइटल भी नहीं है मैंने कहा था टाइटल किस चीज के बाद बनाया जाता है देखें देखिए आपसे मिस भी हो गई हैं नहीं इसी तरह तो सबसे एंड में लिखा जाता है जी सुंदस ने ठीक है लिटरेचर रिव्यू जब आपको ये पता होगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा होगा उसके बाद ही आप टाइटल अच्छा डिवाइज कर पाओगे आप लोग डिफरेंट स्टडीज जब पढ़ पाओगे ठीक है तो नंबर वन सबसे पहला आपका मेन चीज क्या है आपका लिटरेचर रिव्यू देखें अब यहाँ से आपको वो जो हमने स्टेप्स किए ना कि पहले क्या आता है बाद में लिटरेचर तो तो रिव्यू करना लिटरेचर अच्छा रिव्यू दे दी अभी ये हम रफ वर्क कर रहे हैं वो बाद की बात होती है पे उसको सेटिंग करनी होती है प्रॉपर तरतीब में पहले इंट्रोडक्शन आया फिर ये है लेकिन आप पहले लिखने लगे हो अभी आपको कोई देख नहीं रहा आपका सुपरवाइजर नहीं देख रहा बैठा आप अपने रूम में बैठे हो आपको आपने काम करना है जी आपको दस दिन का टाइम मिला है आपको एक माह का टाइम मिला है जितना भी टाइम मिला है है कि आपने आपने लिखना या आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन लिखना है ना आपने टाइटल लिखना है, ना लिखना ना है सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है पहले जाके पढ़ना है कि हो क्या रहा है फिर बाकी चीजें करनी है ठीक है अब ये लिटरेचर रिव्यू कर लिया अब हम क्या करेंगे अब मेरे पास बात आती है की की तो अच्छा अब मेरे बेसिक की क्या है ठीक है अब की सोचो कि आपके की कौन कौन से थे नंबर 1 बायोएथेनॉल मैं अब अपने अपने टॉपिक पे तो बात करूंगा आप लोग उसको अपने टॉपिक से रिलेट करते रहो पहला क्या था बायोएथेनॉल प्रोड्यूस किससे करेंगे एलजी से मैं क्या करूंगा मैं गूगल स्कॉलर पर जाऊंगा अब आपने कई लोगों ने पूछा कि लेआउट कैसे बनाना है मैं उसका जवाब भी देता हूं आप यहां पहले लिखेंगे बायोएथेनॉल फ्रॉम एलजी ये ले जी अब आपने सबसे पहले ना सबसे पहले लेआउट के लिए आपने क्या करना है लेआउट के लिए आप लोगों ने एक रिव्यू आर्टिकल डाउनलोड करना अगर आपको लेआउट समझ नहीं आ रहा दो से तीन रिव्यू आर्टिकल डाउनलोड करें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक रिव्यू आर्टिकल है रिसर्च आर्टिकल की बात नहीं कर रहा मैं लेआउट की बात कर रहा हूँ की क्या है कीवर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे आप रिसर्च कर रहे हो जैसे आपने कंप्यूटर रिलेटेड को रिसर्च करनी है तो उसके जो मेन आपका टॉपिक था आपका टॉपिक बता बताता मैं आपको आपके कीवर्ड बता देता हूँ मेरा टॉपिक था प्रोड्यूसिंग बायो एथानॉल फ्रॉम एलजी तो इसमें मेन वर्ड्स कौन से एल जी और बायोथनॉल मैंने उन दोनों को सर्च कर लिया ताकि मेरे पास सारे पेपर आ जाए जिनके अंदर एल जी का जिक्र हो अभी एक आर्टिकल था अच्छा ये एक आर्टिकल है ये एडमिन साथ साथ करते जाए लोग आ रहे हैं अभी भी ओके ये एक आर्टिकल है ठीक है जी ये रिव्यू पेपर है ये देखिए उसने लिखा हुआ है कई लोगों ने कल पूछा था कैसे पता लगे कई जगह लिखा भी होता है नहीं तो आप और रिजल्ट्स देख सकते हैं रिव्यू पेपर है ये उसकी एक नीचे समरी आ गई है ठीक है दो चीज तरह से आप लेआउट बना सकते हो नंबर वन तरीका क्या कि आप ऐसे दो तीन रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ो उनकी समरी पढ़ो आपका आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ना कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने आर्टिकल में लिखनी चाहिए मुझे किस किस तरीके से नहीं तो इनकी मेथोडोलॉजी नहीं होती रिव्यू आर्टिकल की रिसर्च आर्टिकल की होती है आप क्या करो इनकी पीडीएफ को डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो तो मैं देखता हूँ अगर एक्सेस है नहीं अब फॉर एक्साम्पल इसका एक्सेस नहीं है इसकी डी ओ आई अब मैंने आपको कल बताया था हर डॉक्यूमेंट का एक डी होता है चलो चला आपको एक मेन चीज पता लग जाएगी हर डॉक्यूमेंट की एक ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये लिखा हुआ है अब मैं क्या करूंगा ये जो लिंक है ना ठीक है ये लें ये इस लिंक को मैंने कॉपी किया डी का अब ये एक एथिकल तरीका तो नहीं है इट्स एन अन एथिकल लेकिन अब पाकिस्तान में इतने डॉलर हम नहीं पे कर सकते तो उसका देसी तरीका क्या है ये साइंस हब में जाए ठीक है शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा शायद नहीं पता वो डी वाला लिंक है वो जाए साइंस हब में यहाँ आकर कॉपी करें साइंस सब के अंदर और वो आपको आपका आर्टिकल जो है ये डाउनलोड करके दे देगा होप्स कुछ नजर आ रहा होगा ठीक है जी उमेर आपके प्रोएक्टिव रोबस्टनेस ठीक है और रोबरियसली लोडेड नेटवर्क ये आपके की वर्ड है ठीक है तो अब ओपन करें ठीक है ये हमने एक आर्टिकल डाउनलोड कर लिया अब ये आ गया आपका रिव्यू आर्टिकल सामने अब देखें इसने इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स कौन कौन सी बनाई है ठीक है पहली क्या बनाई है उसने डिस्क्रिप्शन ऑफ एल ये भी मैं एक रिव्यू आर्टिकल पढ़ रहा हूँ आपने इनकी हेडिंग्स को एक पेपर पे लिखते जाना लेआउट बनाना है layout बनाने है लेआउट ठीक सबसे पहले जिनको लेआउट बनाना नहीं आता क्या है जी उसने सबसे पहले क्या मेन हेडिंग क्या एडवांटेजेस क्या है एल के ठीक है एज सोर्स फॉर बायोथेनॉल पहले उसने क्या बताया एल जी है बाद में बताया क्या है कि एडवांटेजेस क्या है बायोथनॉल प्रोडक्शन के और जब इसको आप पढ़ोगे अगर अंदर पढ़ना चाहते हो तो एक रिव्यू आर्टिकल को पढ़ भी लेना पढ़ने में उसने यही लिखा होगा कि जो है ना वो एल से प्रोड्यूस होती है वो पॉलिसक्राइड में कन्वर्ट होती है कन्वर्जन करना आसान है इवन हम स्मॉल लेवल इंडस्ट्री में बना सकते हैं एटसेट्रा एक्सेट्रा ठीक है कुछ भी आप कह सकते हैं देखें कार्बोहाइड्रेट से उसने प्रोड्यूस की हुई है ठीक है तो ये उसकी डिटेल में नहीं जाना अभी आपने अभी आप सिर्फ लेआउट बना रहे हो फिर आपने क्या देखा जी अच्छा एल जी कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है ठीक है नेचर स्टॉक से नेचुरली जहां से मिल सकती है हम उसको नेचुरली जैसे हमारे वो पानी वगैरह पे एल जी की आ जाती है ठीक है दीवारों पे आ जाती है जैसे तो उसके बाद दूसरा क्या आर्टिफिशियल कल्चरिंग क्या हम उसको खुद भी एलजी को बना सकते हैं तीसरा जैसे चोलिस्तान वगैरह के एरियाज होते हैं एरिया पर एलजी बहुत ज्यादा पाई जाती है ठीक है दूसरा मेथड है उसको कल्चर कर सकते हैं आप तो ये दो तरीके हैं मतलब नेचुरली मिल सकती है आप उसको खुद भी बना सकते हैं इमरान कह रहे हैं वट इज ले आउट ले आउट एक प्रॉपर आप कह लो कि आपकी आउटलाइन होती है जिसपे आपने अपना साइन या अपना प्रपोजल लिखना होता है कि आपके प्रपोजल की मेन हेडिंग्स क्या होंगी क्या स्टेप्स ऑफ है प्रोडक्शन अभी आप किसी का रिव्यू आर्टिकल पढ़ रहे हो क्यों अपने लेआउट को चेक करने के लिए कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपके लेआउट में छूट रही है ठीक है पहली चीज प्री ट्रीटमेंट ऑफ एलगल बायोमास मिसाल के तौर तो पर उसने एक ये दी हुई है हेडिंग ठीक है है जो मैंने कल आपको एक डायग्राम दिखाई थी आपको याद होगा ये सारी चीजें उसमें थी ठीक है आप देख ले मैंने वो पकब का बनाया हुआ लेकिन मैं आज इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ लेकिन वो फिर भी मैच कर रहा है क्या है जी प्री ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट कैसे करनी है एक फिजिकल प्री ट्रीटमेंट है ठीक है एक केमिकल प्री ट्रीटमेंट है के बाद क्या होगा होगी फर्मेंटेशन होगी डिस्टिलेशन होगी और ये सारी चीजें मेरे कल के लेआउट में थी आपको याद होगा ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपको इस आइडिया हो जाएगा कि अगर हम लोग अपना लेआउट बनाते हैं वो हम किसी और से टैली कर सकते हैं तो बेसिकली ये उसने एक इमेज के फॉर्म में सारा लेआउट बना दिया है ठीक है और बायोथनॉल से एड पे हम क्या कर सकते हैं स्टीम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके वो भी सारा बना सकते हैं ठीक है तो इसने ये डिफरेंट मेथड लिखे हैं एक रिव्यू आर्टिकल पूरा लिखा है मैं इसका पूरे को नहीं पढ़ता इस तरह आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिव्यू आर्टिकल की साथ साथ पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक है इसके आप साइंस साहब लिखो उसके पंद्रह से सोलह वेबसाइट होती है कोई एक वेबसाइट चल जाती होती है जैसे ये मैं यूज कर रहा हूँ साई हब डॉट एसई यूज कर रहा हूं आपके सामने चल रही है ठीक है अच्छा तो अब अपने की वर्ड मुझे मैसेज करके दोबारा पूछ लीजिएगा मैं यहाँ नब्बे के नब्बे लोगों को की नहीं बता सकता आप ठीक है टाइम जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम उससे में मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके और आप लोगों को कोई इशू हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे कल कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम डर रहे हैं जी मैसेज करते हुए डरने कोई बात नहीं कुछ नहीं होने लगा आप लोगों को तो आप लोग सीधे आप कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज सारे कर सकते हैं ठीक है अब आपने क्या किया आपने लेआउट अपना तैयार कर लिया किस तरह आपने तीन से चार रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े उन रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपने अपना एक लेआउट बना लिया उनको इंटरमिक्स करके अब लेआउट बनाया क्या कि उनमें से हेडिंग्स हेडिंग्स उठाई उनमें से उठा के ना एक प्रॉपर लेआउट तैयार कर लिया कि हाँ ये हेडिंग भी मैं यूज कर सकता हूं अपने भी यूज कर सकता हूँ हेडिंग क्या मतलब कि प्रपोज मेथडोलॉजी आपको पता लग जाएगी कि आपकी मेथोडोलॉजी में क्या होगा जैसे इसमें था प्री ट्रीटमेंट होगा मतलब उसको पहले ग्राइंड किया जाएगा एल को पीस के वो एक भूसा सा बना दिया जाएगा ठीक है जिसको हम एलगल बायोमास कहते हैं उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा जी कार्बोहाइड्रेट के अंदर लिपिड्स के अंदर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा उन लिपिड वगैरह को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाएगा जो हमने पढ़े हैं बीटी के डिस्टलेशन वगैरह से ठीक है स्कैरिफिकेशन वगैरह से केमिकल स्कैरिफिकेशन उनसे गुजारा जाएगा गुजारने के बाद एंड पे हमें क्या मिल जाएगा बायोथोनॉ मिल जाएगा वो क्या हमारा प्रपोजल है कि हमें बायोथोनॉल मिल जाएगा अब उसकी यील्ड कितनी होगी हमारा ऑब्जेक्ट अब हमने वो सारा आगे लिखना है कि हमें हर चीज लिखनी है उसके लिए अब हमारा मेन पर्पज क्या है पहले लिटरेचर रिव्यू

अब आपने अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करना है अब मैं यहाँ पूरा लिटरेचर रिव्यू लिख नहीं सकता इतनी जल्दी ठीक है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मैं मैं बैठ के और वो फिर यहाँ से मेरा ध्यान हट जाता है ठीक है अब देखें आपने लिटरेचर जब लिखना है ना तो जो आपने जनरल चीजें लिखनी होती हैं तो वो आप किसी के इंट्रोडक्शन से भी चीजें ले सकते हो चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है चाहे वो रिव्यू आर्टिकल है डजेंट मैटर आप लिटरेचर रिव्यू का स्टार्ट कर रहे हो ठीक है जब आपने उसका बिल्कुल स्टार्ट में चीजें लिखनी है तो आपको उसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आप इंट्रोडक्शन से चीजें उठा सकते हो या जैसे इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एल जी दी आप यहां से उठा सकते हो क्योंकि जब आपने भी स्टार्ट करना है तो आपने पहले लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी आपने सबसे पहले कॉमन मेन चीजें मेन जनरल ठीक है अच्छा तो अब आप सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल ले लेता हूं ये पहली लाइन है

वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये चीज पेस्ट कर दी अब ये देखें जो आपने पेस्ट की तो इसकी थोड़ी सी आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ठीक है अभी आपने तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है ये अगर आप ऐसे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा प्लेजरिज्म ठीक है नंबर वन आपने ये मैं आपको सारा तरीका बताता रहता हूँ अच्छा ये दो तरीके लिखने के एक तो है कि आप ऐसे वन बाय लाइन पे पेस्ट करो और उसके बाद उसकी साइटेशन देते रहो साथ साथ साइटेशन कैसे देनी है वही जो पेपर मैंने खोला था ठीक है उसी पेपर में गए उसका आपने ये जो टाइटल है ये टाइटल यहाँ से नहीं बल्कि वो ओपन हुई हुई है देखें ये ओपन हुआ हुआ, हुआ हुआ है इसको एंड नोट पे इंपोर्ट किया जब इसको एंड नोट पे मुझे, लग... मुझे लगता है आपको नजर आ रहा होगा वैसे आई होपुल होपफुली क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है अच्छा ओके ये इंपोर्ट हो गया एंड नोट पे ये आ गया जी वो दो का ठीक है ट्राई करना लेटेस्ट आपने उठाना ये तो मैंने रेंडमली उठा लिया था ठीक है इसको आपने कॉपी कर लिया साइटेशन को यहाँ से ठीक है और आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें आके आपने पेस्ट कर दिया ठीक है और यहाँ से इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ थी इसको मैंने ऑन कर दिया ले लहजे आपका ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया ठीक है यहाँ पर मैं वैसे एक हेडिंग दे देता हूँ रेफरेंस अब एक चीज आपने देखनी है ये अभी हो जाएगा प्लेजराइज क्योंकि आपने इसको रिमूव नहीं किया प्लेजरिज्म आप इसको कि वो प्लेजरिज्म आ जाएगा आपकी डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगी अब दो तरीकों से आप बना सकते हो पूरा लिटरेचर रिव्यू फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन नजर सबको आ रही है फुल स्क्रीन, क्योंकि मैंने तो फुल स्क्रीन की हुई है दो तरह से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो एक तरीका तो ये है कि आप वन बाय वन पेपर पढ़ते जाओ और वन बाय वन उनसे डाटा निकालते जाओ और आगे ऐसे साइट करते जाओ ठीक है जी एक तरीका तो ये कि मैंने एलजी की डेफिनेशन लिख ली है अब मैं एक और आर्टिकल डाउनलोड करूंगा जिसमें बायोथनॉल की डेफिनेशन होगी ठीक है और उस बायोथनॉल की डेफिनेशन को मैं यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल था उसके मैंने लाइन निकाल के लिख लिखी मैंने प्लेजरिज्म रिमूव नहीं किया मैं फिर बता रहा हूँ ठीक है मैं दूसरी जब आप पूरा पैराग्राफ लिख दिया करो उसके बाद उसका प्लेजरिज्म रिमूव किया करो ठीक है दूसरी बात मैं कहता हूँ अब यह बायोथोनोल प्रोडक्शन का एक और पेपर है मैं ट्राई करता हूँ लेटेस्ट पेपर और वेट 2017 ठीक है ये जी एल्कल प्रोडक्शन दो हजार ये उन्नीस का पेपर है, है अठारह का पेपर, पेपर, पेपर. मतलब पेपर अच्छे हैं साइटेशन भी इनकी अच्छी है और अभी ये दो एक दो साल के अंदर अच्छी खासी है लेकिन ये पेपर मुझे मुझे लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का तो ये पाकिस्तान का हो सकता है आर्टिकल मैं इसको खोलता हूँ ठीक है पाकिस्तान का मैंने क्यों सोच के खोला है कि अगर हम पाकिस्तान के आर्टिकल को साइट करेंगे तो उसकी एक अलग वैल्यू आ जाती है ठीक है अब ना आपने क्या किया मैं देख लेता हूँ वैसे ये कहाँ का है ठीक है उससे मुझे आइडिया हो जाएगा मैंने यहाँ शो मोर पे गया नहीं तो मैं इन पे किसी पे भी क्लिक भी कर सकता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा जी ये हाँ ये फैसलाबाद के ये देखें यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये उन लोगों का है तो बेसिकली ये आप लोगों को पाकिस्तान का डाटा मिल सकता है इस रिव्यू आर्टिकल से आपको आपने क्या किया आपने इस आर्टिकल को डाउनलोड कर लिया ठीक है ये ले जी मैंने इस आर्टिकल को भी डाउनलोड कर लिया होपफुली ये तो हो जाएगा डाउनलोड जी हो गया ठीक है अब मैंने एल की डेफिनेशन निकाल ली है अब मैं बायोथनॉल की डेफिनेशन निकालना चाहता हूँ ये सस्टेनेबल एनर्जी की वो हमें एनर्जी दे सकता है ठीक है यहाँ पर देखें यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट में बात की एनर्जी के ऊपर एनर्जी की डिमांड्स क्या हैं सारा क्या है। फिर उसने रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गए हैं अब वो यहाँ से आ गए हैं लिक्विड फ्यूल वगैरह वगैरह दीज आर ये वो वो जो भी ठीक है उसके बाद उन्होंने बायोफ्यूल्स की बात कर ली अब मैं अपने मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने रेलिवेंट चीज निकाल ली है अब यहाँ पर बात आ गई है बायोथनॉल की ठीक है कि बायोफ्यूल के अंदर बाय जो है ना वो रेपिडली इंक्रीज कर रहा है सारा कुछ कर रहा है उसकी डिटेल बताइए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक का डाटा कॉपी कर लेता हूँ मैंने कॉपी किया और डाटा मैंने यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया ठीक है उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लिख रहे अगर आप बिल्कुल न्यू है आपको इतना जल्दी अंदाजा नहीं हो रहा ठीक है दूसरा तरीका क्या आपने यहाँ पर भी इसकी इसकी भी साइटेशन दे दी इस आर्टिकल की भी साइटेशन ये इम्पोर्टेंट टू एंड नोट अब हम अगले प्रोसेस पे जाते हैं ठीक है कॉपी किया कॉपी करने के बाद ये जी पेस्ट कर दिया ठीक है और अपडेट एक मिनट रुकिएगा प्लीज जी सॉरी अच्छा तो बेसिकली अब क्या है कि आपने ये आर्टिकल निकाल के लिख लिया अब आपने क्या करना है ये तो एक तरीका बता रहा हूँ दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं लिखने का क्योंकि किसी को कोई तरीका अच्छा लगेगा किसी को कोई लगेगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो आपने क्या किया आपने पहले पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आपके दो तीन की वर्ड से आपने पहले की वर्ड की डेफिनेशन निकाल ली फिर आपने दूसरे की वर्ड की डेफिनेशन निकाल ली अब वो आपने खुद बनाना है अपना लेआउट ठीक है आपने अपना ओके okay, अब्दुल्ला आपने अपना लेआउट अब खुद तैयार करना है ठीक है बेसिकली कि आप पहले किस चीज की डेफिनेशन लिखोगे फिर उसको दूसरी चीज से रिलेट करोगे जैसे मैं इसकी मिसाल दू पहले मैं लिखूंगा एल की डेफिनेशन फिर मैं बताऊंगा कि एल से हम एल के यूजेस क्या हैं ठीक है अभी तो ये मैंने रैंडमली सिर्फ एक एक और दो लाइन उठा के लिख ली है लेकिन पहले मैं बताऊंगा एल है क्या फिर मैं बताऊंगा एल के यूजेस क्या हैं ठीक है एल किस किस तरह से यूज हो सकती है फिर मैं वो मैं किसी और पेपर से उठा के लिखूंगा एल जी के यूजेस क्या है ये मैंने एक पेपर से उसकी डेफिनेशन लिख ली नेक्स्ट सेकंड पेपर से एल जी एक थर्ड थर्ड पेपर खोलूंगा मैं थर्ड पेपर के अंदर क्या करूंगा मैं थर्ड पेपर के अंदर जाके ये लिखूंगा कि एल जी से बायोथनॉल का रिलेशन क्या है फिर मैं बताऊंगा सिर्फ रिलेशन एक लाइन में बयान करके भी मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ जरूरी नहीं कि आपने ये तीन तीन लाइन जी उठानी है फिर मैं बताऊंगा कि बायोथेनॉल बेसिकली है क्या एक टाइप है बायोफ्यूल की जैसे यहाँ पे बायोफ्यूल के की डिटेल लिखी थी आप वो लिखोगे फिर बताओगे कि वो कैसे यूज होती है जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इतने लीटर की जरूरत पड़ती है इतना इस तरह की एक आपने इसको क्या कहते हैं ये एक तरह से फैक्ट है ठीक है ये फैक्ट क्या है 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 कि इतने बिलियन लीटर जो है, ठीक है? वो हमें इतने सालों से इतने सालों तक हम लोग आ गए कि हम लोग पहले वन बिलियन लीटर 1975 में यूज कर रहे थे और आज हम कितना यूज कर रहे हैं आज हम 86 बिलियन लीटर के तौर करीब यूज कर रहे हैं मतलब 86 या 85 गुना बढ़ गई है उसकी मकदार और 2020 तक उन्होंने क्या कहा ये दो हजार में लिखा गया था इसलिए उन्होंने तब प्रिडिक्ट किया था कि 2022 तक 160 बिलियन हो जाएगा मतलब सिर्फ ये सात सालों के अंदर के पहले 25 साल नहीं 25 नहीं पहले 35 सालों में छियासी गुना बढ़ा ठीक है लेकिन सिर्फ पिछले 10 सालों में ये उससे भी दुगना हो गया है ठीक है मतलब और ज्यादा तेजी से बढ़ गया ठीक है तो ये बात है बेसिकली मतलब इसकी प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है ये अब उसकी दो तीन चीजें बयान कर रहा है एक तो लिटरेचर रिव्यू में भी बता रहा है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरा वो ये भी बता रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है एज इंडस्ट्री कि वो फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है वो दुनिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये दो चीजें बता रहा है इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि उसका मैं बता रहा हूं पूरा लिटरेचर रिव्यू लिख के दिखा नहीं सकता आपको लेकिन मैं साथ साथ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ दूसरा आप ये बता सकते हो कि अच्छा ये जरूरी है अच्छा मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं बाद में दूसरा आप ये बताते हो कि अगर ये जरूरी है इतना दुनिया के लिए तो इसका यूजेस कहा हो रहे हैं वहां लिखोगे जी एज अ पेट्रोल यूज होता है पेट्रोल आपको पता है आपकी जो आ, मोटर व्हीकल होती है उनके अंदर यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है ठीक है ऐसे आपने उसके डिफरेंट व्यूज दे रहे नहीं आप यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते पॉइंट ऑफ व्यू आप कभी ऐसे नहीं ये दे सकते कि आई थिंक दैट या अकॉर्डिंग टू मी आप कहीं भी ये वर्ड नहीं यूज कर सकते बेशक वो कोई भी फॉर्म और डॉक्यूमेंट की ना रिसर्च ना रिव्यू कुछ भी नहीं हमेशा आप ये लिखोगे कि इस ऐसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है वो जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना आपके हिसाब से वो आप सिर्फ गैप के अंदर दे सकते हो जो आपका आखिरी पैराग्राफ है ठीक है और उसके अंदर भी इस तरह नहीं लिखते होते आई थिंक दैट दैट आई ठीक है मैं बताऊंगा कैसे लिखना है हमें खैर आपने ये निकाल ली है आपने साइटेशन दे ली ठीक है इस तरह समझ लें आपने ये पूरा एक पेज लिख लिया एक पेज के अंदर क्या क्या चीजें आ गई ये पहला पहला पेज है लिटरेचर का इसके अंदर आपने लिख दिया कि आपका मैं एल की बात ही कर रहा हूँ ठीक है अपने अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं आप लोग या समझेंगे तो समझ आ जाएगी आपने ये देख लिया कि LG क्या है एल के यूजेस क्या है ठीक है उसके बाद LG को ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम किस में कन्वर्ट करने के लिए बायोथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए बायोएथेनॉल क्या चीज है उसकी प्रोडक्शन अब ये फैक्ट्स भी लिखने हैं सिर्फ बातें नहीं दरमियान में फैक्ट्स भी हूँ ठीक है एज ए फैक्ट भी नहीं लिख सकते हाँ एल जी की भी लिख सकते fact, uh, जैसे आपने यहाँ पर, ये लिखा का, इतने पर आप एल जी का बता दो एल जी इतने, इतनी ग्रो, इतनी इतने के तो उनको लिख दिया फिर आपने के बारे में लिख दिया ठीक है ये ये चीजें आ जाती है ठीक है अब आपका बेसिक लेआउट आपको क्या पता था आपने एल जी का लिखना और का लिखना वो बेसिक था अब उसके अंदर क्या क्या है फिर आपने वो सोचना है कि बायोथोनॉ में भी लिखना है उसके फैक्ट्स लिखने हैं कि उसकी मिकदार इतनी बढ़ती जा रही है विदिड ऑफ टाइम फिर आपने ये लिखना है कि बायोथनॉल जो है हमें किस चीज से ज्यादा मिल सकती है क्या हम एल से बना सकते हैं यस क्या हम फंजाई से बना सकते हैं यस क्या हम प्लांट से बना सकते हैं यस बना सकते हैं आपने उन तीनों का जिक्र कर, जिक्र करना है किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने बायोथनॉल प्लांट से बनाया है ठीक है अब हम वो सर्च करते हैं कैसे ये तो था बायोथनॉल फ्रॉम एल आपने सर्च किया बायोथनॉल फ्रॉम प्लांट सोर्सेज या प्लांट वेस्ट ठीक है अभी आगे आपके सामने एक पेपर दो पेपर तीन पेपर ये सारे किसी ने राइस से बनाया हुआ ये आपके सामने है ठीक है किसी ने इसी सेम प्लांट से बनाया हुआ है ठीक है किसी ने इसको बाय प्लांट को प्रोड्यूसिंग ये भी प्लांट से बनाया हुआ मतलब प्लांट के आपके पास काफी सारे आ गए आपने कोई सा एक पेपर डाउनलोड कर लिया उस पेपर में से ये लाइन उठा ली कि हाँ वो प्लांट के लिए यूज होता है बेशक वो राइस वाली एग्जाम्पल डाल दो आप कुछ भी को कोड कर दो आप ये लिख दो कि दोनो कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस आपको पेपर खोलने की जरूरत नहीं आप ये लिख दो बी प्रोड्यूस फ्रॉम राइस रेजिड्यूस और इसकी साइटेशन इंपोर्ट करके ठीक है मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ ये इम्पोर्ट कर ली साइटेशन क्योंकि हमें ये टाइटल्स ही पता लग रहा है कि राइस बायथनॉल बनी है हम यहाँ फुल स्टॉप डाल के लिख सकते हैं बायो एथनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम राइस रेजिड्यूस ठीक है ये लिखा और ये लिखने के बाद आपने इसी को साइट कर दिया इस पेपर को ठीक है क्योंकि हमें उसके टाइटल्स ही पता लग रहा है ठीक है और ये आ गया और हमने इसको ये ले ली ये साइट कर दिया उसी आर्टिकल को हमने साइड कर दिया अभी हमारा जुमला खत्म नहीं हुआ हम इसी जुमले के अंदर लिख सकते हैं राइस रेडिस जूस कॉमा डाल दिया अब फ्रॉम हम अब हमने ढूंढना है कि अच्छा देखते हैं फंजाई से होता है कि नहीं होता अब हम लिखते हैं फंजाई अभी पता लग जाएगा कि फंजाई से होता है कि नहीं ठीक है आ, ये देखें ये लिखा प्रोडक्ट बाय कन्वेंशनल मटेरियल बाय फंगल स्पीशीज होता है या दो सा पेपर, तो पेपर डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है आपने से कोई भी पेपर की उठा जो आपको अच्छी लगती है उठाई तीन साल पुराना थर्टी है अच्छा आर्टिकल लग रहा है साइटेशन भी अच्छी है ठीक है तो आपने क्या किया आपने इसको वहां पर लिखा वो फंजाई अच्छा फ्रॉम फ्रॉम राइस एज इट यूज फंजाई सिर्फ फंजाई लिखा यार आप लिख दें इसमें टाइटल में क्या था फेलीबॉइड फंजाई स्पीसी ठीक है आपने वही लिख दिया फेलीबॉइड फंजाई स्पीशीज और यहां पर उसको मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा अच्छा आपने क्या किया फौरन अपनी एंड नोट के अंदर गए ठीक है साइटेशन हो गई यहाँ पे हाँ ये ले साइटेशन डाउनलोड कर ली थी एंड नोट में गए और इसको यहाँ से साइट कर दिया

तो ये मैटर नहीं करता कोई साइटेशन बहुत ज्यादा है बहुत कम हाँ लेकिन वो भी नहीं करना कि हर लाइन के अंदर चार चार साइटेशन डाली तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने कितना अच्छा अच्छा देखें कितना अच्छा जुमला लग रहा है कि कैन फ्रॉम राइस और आगे साइड कर दिया दो का पेपर क्या मतलब है कि दो हजार अठारह के अंदर आपने राइस से बना दिया आगे बता रहे हो फंजाई से भी यूज होती है फंजाई से किसके पेपर्स की कोट कर दी है दो हजार सतारह का पेपर कोट कर दिया ठीक है और आगे कोट कर रहे हो एंड एलगल स्पीशीज लें और इसके आगे जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई और आप पेपर एल जी का डाउनलोड कर लेते हो ठीक है ये लें एल जी का डाउनलोड कर लिया और एल जी के तो पास पहले बहुत आए हुए हैं ठीक है आप यहाँ पर कोई रिसर्च आर्टिकल दे... ये देखें एल्गल बायोमास कहां से लिया फ्रेश वाटर रिवर से लिया मतलब ये एक रिसर्च आर्टिकल है ठीक है आपने इसको इम्पोर्ट किया ठीक है इसको इम्पोर्ट करने के बाद आपने इसको भी साइट कर दिया दो हजार अठारह का ठीक है अच्छा एक टिप दूंगा ट्राई किया करें इंडिया जैसे इंडिया का साइटेशन इंडिया का पेपर है ट्राई किया करें इंडिया के पेपर्स को ना कोट किया करें ठीक है uh, मतलब इंडिया के जर्नल्स को कोट करना या इंडियन पेपर्स को कोट करना जो है पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ऑथेंटिक नहीं समझ हम लोग उनको ऑथेंटिक नहीं समझते वो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट मारते हैं

इस वजह से हमारे जो है ना अः की वजह से नहीं जब हमारा कोई साइटेशन इंडिया में देख लेता कुमार नंदन जोशी सिंह शर्मा वर्मा तो वैसे ही वो समझते हैं कि यार ये बकवास पेपर होगा जिसको साइट किया गया ठीक है वैसे ही बता रहा हूँ तो जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनमें ना साइट किया गया ये बड़ी जनरल सी चीज थी कंसिपीशन से बनता है इसमें साइट कर भी गया तू तो लेकिन आप इसके लिए बहुत सारे और भी पेपर को साइट कर सकते हो ठीक है तो आपने क्या किया देखें आपने एक ही सेंटेंस के अंदर उनको बता दिया जो आपका रीडर है वो जब पढ़ रहा है उसको पता है कि आप भाई आपने रीडिंग की है आपने ऐसे मुंह उठा के पेपर नहीं लिख दिया आपने बता दिया कि हाँ भाई ये जी प्लांट से भी बनता है ये जी फ्रेंचाइजीज से भी बनता है ये एल जी से बनता है अब आपका आगे रिव्यू किस बारे में है कि एल जी से जो बनता है तो हमने इस पेपर में एल जी से बनाना है हम एल जी को यूज कर रहे हैं बायथोमाल बनाने के लिए अब आपने क्या करना है यहाँ पर डिफाइन करना है आगे चीजों को डिफाइन कैसे करना ये सिर्फ अभी डाटा निकाल रहे हो आप अभी सिर्फ ये एक लाइन हमने विदाउट प्लेजरिज्म लिखी है ये वाली इसके अलावा जितनी ऊपर लाइन है ना वो प्लेजरिज्म वाली है ये आपने याद रखना है तो आपने किसी ने पूछा ना प्लेजरिज्म मूव कैसे करते हैं ये रिमूव हो गया तीन पेपर से डाटा लिखा है लेकिन तीनों में आपका प्लेजरिज्म नहीं आने वाला ठीक है खैर आगे चलते हैं अब ये ऊपर वाली लाइन दोनों हम इनको येलो कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इनका प्लेजरिज्म हमने रिमूव करना है ठीक है ये नहीं अब आपने क्या करना है आपने अब डिटेल लिखते जानी है ठीक है लिटरेचर रिव्यू मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ फिर बता रहा हूँ पांच सफे में लिखने बैठूंगा जैसे अभी आधा घंटा में गुजर गया ऑलमोस्ट सिर्फ ये तीन चार लाइन लिखते हुए तो मैं पूरा लिखने बैठूंगा तो मुश्किल हो जाएगी इसलिए मैं आपको सारी टेक्टिक्स बता रहा हूँ साथ साथ आपने क्या किया पहले एल के बारे में लिख दिया फिर आपने बता दिया एल के यूजेस क्या क्या हैं फिर आपने अपने दूसरे की पे आ गया बायोथनॉल बेसिकली होती क्या है उसके फैक्ट्स लिख दिए थोड़े से कि दुनिया में उसकी कितनी जरूरत है ठीक है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली दुनिया वो हम जैसे आपने सुना ही होगा कि तेल है जी वो राजा है यहाँ का जैसे सऊदीया के पास तेल है ठीक है जिसकी वजह से अल्लाह है, है? तक उनके साथ है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ऑयल रिजर्व है ठीक है तो प्रोडक्शन जो इस हद तक इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए ठीक है कि जितनी जंगे भी बन हुई हैं इराक वगैरह के वो भी इसी पे हुई है तो ये देखें ये आपकी कितनी मस्ट होनी चाहिए तीन से पांच पेजिस का होना चाहिए ठीक है बीएस के लिए ढाई से तीन पेज भी चल जाते हैं एमएस के लिए एटलीस्ट फाइव पेजिस का होल लिटरेचर रिव्यू ठीक है सैनॉपिस के अंदर हाँ आप उसको छोटा लिख सकते हो सैन के अंदर लोग मैंने देखे एक एक पेज का भी लिख के दे देते हैं वो सिर्फ होता है ना जान छुड़वाने के लिए कि आखिरी हफ्ता आएगा चलो इस बात जान ही छुड़वानी है कर दो तो वो एक पेज के ऊपर सारा लिटरेचर रिव्यू लिख देते हैं लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं देखिए छोटा लिखना है तो ये भी काफी है मैंने इस, इसी तीन लाइन में इसका आधी चीजें बयान कर दी हैं अगर आप इसी में अभी एल जी के टाइप से करोगे आप इसमें यह बताओगे बायोथनॉल के किस बायोफ्यूल की टाइप है बायोफ्यूल में कितनी चीजें आती है बायोडीजल भी आता है बायोथनॉल भी आता है फिर बायथनॉ क्यों इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद आ जाता है कि अच्छा उसका फैक्ट्स लिख दिए हैं फिर ये आप ये भी लाइन आप रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा होगा कहीं ना कहीं लाइंस में कि दुनिया की इकोनॉमिक इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है अब हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं बायोथनॉ इकोनॉमी देखें इसी तरह आपने लाइंस को सर्च करना है ये देखें आप इकोनॉमी लिखेंगे वो बता देगा कि आपकी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है वो बता देगा कि ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बायोथनॉल ये होता है की से सर्च करना मेरे माइंड में एक लाइन आई है कि हाँ ये तो इकोनॉमी इकोनॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है इसकी मैंने वो इकोनॉमी लिख दी और उसके आगे मेरे पास इकोनॉमी से रिलेटेड कितने सारे पेपर आ गए ठीक है अब मेरे में से कोई भी उठा लूंगा मैं उसको अपनी लाइन में लिखूंगा कि इज वेरी इज अ सस्टेनेबल एनर्जी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी वो लिख के और मैं यहाँ पे साइड कर दूंगा और साइड करने के बाद मैं यहाँ पर आके साइड कर दूंगा मेरी एक लाइन एक्स्ट्रा होगी इस तरह से आपने अपना लिटरेचर भी लिखना है अपने दिमाग को भी यूज करना है थोड़ा सा सिर्फ ये नहीं यूज करना कि हाँ भाई लकीर के फकीर बन के कॉपी पेस्ट मारा छापा मारा उसको कन्वर्ट अब मैंने आपके सामने बैठे बैठे मैंने दिमाग यूज किया है कि हाँ यार सारी दुनिया ऑयल ऑयरेज पे चल रही है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने उसको जाकर सर्च किया इकॉमी को और वहां पर इकोनॉमी आ गई ठीक है और मैंने उससे रिलेटेड उनको दो तीन पेपर्स को पढ़ा ये नहीं कि पहला पेपर उठा कि साइड करते हैं पेपर की एटलीस्ट समरी पढ़ें आपको पता लग उस पेपर में है उसको अपने अल्फाज में लिखा मैंने सिर्फ उसका टाइटल पढ़ा है मुझे इस वक्त नहीं पता क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूं ओह इज इम्पॉर्टेंट एज अ सस्टेनेबल अनर्जी फॉर्म अब देखें सस्टेनेबल एनर्जी फॉर्म भी लिख सकते हैं सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं तो ये आपकी है कि आपने लफ्जों को घुमाना कैसे है ये लफ्जों को घुमाने की टेक्निक है जिसको आप पैराफ्रेजिंग कहते हैं सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर वर्ल्ड आपके सामने मैंने लाइन लिखी अभी बैठ के ठीक है अब आप ये कहां पर था जो हमने ये अभी एक लाइन देखी थी एक किस आर्टिकल में थी चले हम कोई भी ये भी सब लोग इकोनॉमी का लिखा फॉर एग्जाम्पल यहीं पे इसी को हम कर लेते हैं इम्पोर्ट वैसे मैं वो आर्टिकल ढूंढ लेता हूँ ये ये थी शायद हाँ ये भी काम आ सकती है ये भी काम आ सकती है यहाँ दो तीन पेपर आप किसी भी एक पेपर को साइट कर ले मैं देखता हूँ जिसकी साइटेशन जरा अच्छी है ठीक है ये अच्छा ये आप गौर करें एक चीज ये मैंने आपको बता ये एलजीवियर लिखा हुआ है स्प्रिंगर लिखा हुआ है ये मेन पब्लिशर है जो बड़े फेमस हैं एलजीवियर है वायले है नेचर है स्प्रिंगर है तो इनके पेपर कोट करना बहुत अच्छा रहता है ये देखिए ऊपर वायले भी है अब ये वायले है ये एलजीवियर है ये स्प्रिंगर है ठीक है यहाँ पर देख ले इसका डी एस स्पेस है अभी आपको नहीं पता स्पेस इतना famous है कि अभी तक साइटेशन नहीं 2020 के तो आप क्या करोगे आप इन तीनों में से कोई साइड कर सकते हो ठीक है आप देखो ये तीन साल पुराना पेपर है इसकी ग्यारह साइटेशन है लेकिन ये सिर्फ एक साल पुराना है इसकी चार है ठीक है और या इसकी तीन है तो मतलब ये दोनों अच्छे हैं लेकिन ऊपर वाले इंडिया का है तो आप इसको साइड नहीं करते आप इसको साइड कर देते तो दरमियान वाले है. ठीक है जी और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का भी जिक्र हुआ हुआ तो ये एक अच्छा पेपर है अब आप यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को भी कोट कर सकते हो आपके पास एक ऐसा पेपर आ गया है ठीक है तो मैं आपको सिर्फ तरीका दिखा रहा हूँ कि आप ये सर्चिंग में भी चीजें आ जाती हैं ठीक है और ये आपने जब लिखना है तो आपके पास कितनी ऑप्शन मौजूद होती है लिटरेचर रिव्यू में अपने डाटा को ऐड करने के लिए ये देखें ठीक है मैंने डाटा ऐड कर दिया 2020 का रेफरेंस और मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले पांच से दस साल के रेफरेंस हो आपने जब ये सर्च ऐसे सर्चिंग करनी है तो यहाँ पर गूगल स्कॉलर के अंदर आपने यहाँ दो हजार सतारह से कर दें या एटलीस्ट दो हजार सोलह से ठीक है आप दो हजार सतारह से करें क्योंकि पांच साल आप दो हजार सतर से ये चार या ये पांच साल बन रहे हैं ठीक है तो आपके पास लेटेस्ट आर्टिकल यहाँ शो हो रहे होंगे ठीक है जितने भी शो हो रहे होंगे तो आपने इस तरह अपना लिटरेचर रिव्यू लिखते जाना है अब तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन की कि आप ये इंट्रोडक्शन लिखे आप स्पेसिफिक की तरफ कैसे जाना है आपने पहले बता दिया एल जी का उसको कनेक्ट कर दिया बैथनलॉल से यहाँ तक आपको समझ आ गई ना मुझे यस और नो कर दें ठीक है अब ये नीचे वाली लाइन का प्लेजरिज्म रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने इसको अपने अल्फाज में लिखा है ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैंने अपने अल्फाज में कैसे लिखा है आपके सामने ठीक है यस या नो कर दें जल्दी से ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं ठीक है अब ये देखें एक लाइन है ये एक पैराग्राफ है ये विदाउट प्लेजरिज्म लिखा अगर इसको कोई पढ़े बायोथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम राइस रेजिड्यूज साइटेशन ठीक है फिलेबाइटस फंजाई स्पीशीज साइटेशन एंड एल्गल स्पीशीज साइटेशन एक लाइन कितनी प्यारी कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि आपने तीन बयान की है और ये जाहिर कर रही है कि आपने आर्टिकल्स को पढ़ा है ये नहीं है कि आपने अभी ऊपर वाली लाइन को देखे है, तीन लाइन एक साइटेशन एक लाइन है और लंबी सारी लाइन के अंदर एक साइटेशन ठीक है अभी वो जाहिर कर रहा है कि हाँ इस तरह की लाइन भी ठीक है लेकिन वो शायद अभी बगैर देखे कोई कह सकता है कि छापा मारा होगा इसको देखे कोई ये नहीं कह सकता छापा मारा होगा ये जो पहली लाइन है उसको पता लग लगा लग रहा है कि आपने तीन डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के और इस तरह अपनी पेपर के अंदर एटलीस्ट अगर एक, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में एक से दो लाइन जिस तरह की लिखा करें सात आठ लाइन का पैराग्राफ है एटलीस्ट एक लाइन इस तरह की लिखा करें जिसमें दो कम से कम आपके रेफरेंस आ रहे हो आप नीचे वाली लाइन के अंदर भी दो डाल सकते हो इज अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी अब ये लाइन पता नहीं कितने पेपर में बोली होगी कि इट इज अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई पेपर खोले जिसपे लिखा हो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी या आप सस्टेनेबल एनर्जी लिख दें ठीक है जाके वहां से कोई पेपर उठाए उसकी साइटेशन उठा के यहां कर दें मिसाल के तौर अभी पर देख लेता हूँ लिख देता इधर सस्टेन अब आपने लाइन पहले लिख ली है लेकिन आप चाहते हो आपके पास ये 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 सस्टेनेबल प्रोडक्शन यीस्ट पे आ गया ठीक है और एवर बीफ इंस्टाग्राम प्रोडक्शन सस्टेनेबल हम यहाँ एल जी लिख देते हैं क्योंकि हम एल जी बल्कि नहीं हम बायथनॉल की बात कर रहे हैं ना कि सस्टेनेबल फॉर्म है अब ये वाला पेपर भी उठा सकते हो ऊपर ठीक है नहीं तो आप अगर एल जी से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप एल जी लिख लो ठीक है वो एल से एल के हिसाब से आ गया एल एल जी जो है ना वो भी एलकल बायोमास जो है वो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ठीक है लेकिन हम वो इस वाला पेपर उठा लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं ठीक है ये रिव्यू आर्टिकल आप इसे उठा सकते हो जब आप जनरल चीजें लिख रहे हो वो आप रिव्यू आर्टिकल से लिख सकते हो लेकिन जब आप कमेरिजन करोगे दो आर्टिकल्स का आपस में वो मैं बताता हूँ आगे कैसे करना है तो वो अपने रिसर्च आर्टिकल उठाने ठीक है आपने कॉपी किया कॉपी करके यहाँ से इस सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और यहाँ पर आपने इसको साइट कर दिया ठीक है ये लें ये साइटेशन ना एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ये आपका एक पैराग्राफ इसके अंदर तीन और दो पांच साइटेशन आ गई है ठीक है ये मैं आप बता रहा हूँ अगर आप पैराग्राफ बेस्ट वे में लिखो टेन आउट ऑफ टेन लिखो तो उसका तरीका क्या है एक ही पैराग्राफ के अंदर आपकी पांच साइटेशन मौजूद है और डाटा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं रीड किया अंधे को नजर आ रहा है कि इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा क्यों नहीं होगा एक तो आपने अपने अल्फाज में लिखा है लोग पूछ पूछ के थक जाते हैं ये कैसे रिमूव करते हैं कैसे रिमूव करते हैं इस तरह रिमूव करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इनके ऊपर भी आ जाए मैं ये नहीं कह रहा ये हंड्रेड परसेंट वो हो जाएगा हो सकता है वो इन लाइन में से किसी के ऊपर पूरा का पूरा डाल दे तो आप उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो अभी हम इसका भी चेंज करते हैं फिर मैं आपके सामने इनका प्लेजरिज्म चेक करता हूँ आपके सामने करूंगा चेक आपको पता चला कैसे करते हैं ठीक है तो आपके सामने चेक करता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इतना प्लेजरिज्म अगर तो प्लेजरिज्म आया हम उसको दोबारा रिमूव करेंगे मैं शोर हूँ कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं है मैंने आपके सामने दो मिनट में चेंज किया हो सकता है इसमें प्लेजरिज्म आ जाए अभी हम ऊपर वाली लाइन को तरीका बता दूंगा आपने आगे क्या लिखना है इंट्रोडक्शन दे दिया अब आपने जाना है स्पेसिफिक चीजों की तरफ स्पेसिफिक चीजों की तरफ कैसे जाना है ये जो चीजें अगर आप इनको लिखना स्टार्ट करोगे ऑलमोस्ट आपका ना एक पेज बन जाएगा जितनी मैंने आपको डिटेल बताई है आप, आपके टॉपिक की कि पहले एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ उसके कुछ फैक्ट्स बताओ फिर अपने दूसरे की को इंट्रोड्यूस करो उसके फैक्ट्स बताओ उसकी हिस्ट्री बताओ जैसे ये हिस्ट्री भी बताई हुई ये इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से हासिल हो सकता है सोर्सेज क्या है ठीक है हर बंदे का अपना टॉपिक अपने हिसाब से वो करता है ठीक है और इसके लिए अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो कोई भी रिव्यू आर्टिकल पढ़ो और उस रिव्यू आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे करना है सेकंड चीज क्या है आपने उन दोनों को लिंक करना है अब आपने जो सेकंड पेज शुरू शुरू करना करना है है वो ऐसे शुरू करना है कि एलजी सिर्फ अब आपने छोड़ देना है कि वो फंजाई से बनी है वो राइस से बनी है फिर जो आपके पेपर सर्च करने हैं आपने सिर्फ एल और बायोथनॉल का सर्च करना है जिसमें एल और काल का जिक्र हो ठीक है फिर आपने क्या करना है उन दोनों को लिंक करना है कि जी से बना सकते हैं फिर आपने रिसर्च आर्टिकल सर्च करने हैं रिसर्च आर्टिकल कौन से सर्च करने हैं जिसके अंदर ये डिटेल दी गई हो कि हमने अभी हम सिर्फ लिटरेचर रिव्यू की बात करें टॉपिक पे नहीं गए आपने ये ऐसे रिसर्च आर्टिकल सर्च करने हैं जिसके अंदर बताया गया हो कि किसी ने एल जी प्रोड्यूस की या बायोथनॉल प्रोड्यूस की है एल जी से अब हम जाके देखते हैं रिसर्च आर्टिकल है, अब हमें ढूंढने रिसर्च आर्टिकल बायोथनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम एल जी मैं सर्च लिख देता हूँ इसका फायदा तो नहीं होता ढूंढना पड़ता है ये रिव्यू आ गया आ, ये आई थिंक नहीं देखना पड़ेगा ये काम का है कि नहीं तो आपको इस तरह सर्च करके ना आपको यहाँ पर अपना कोई भी ढूंढना पड़ेगा आपको आर्टिकल इंडस्ट्रियल बायोमास के इनमें से रिव्यू आर्टिकल कौन सा है रिसर्च आर्टिकल कौन सा है ये आपको मैं जस्ट रैंडमली कुछ ना कुछ खोलते जा रहा हूँ ठीक है अच्छा भी लोग आ रहे हैं ये ये अच्छा एक आर्टिकल मिला था अब ये बंद पड़ा हुआ है असल में अंडर मेंटेनेंस है ये एक अच्छा आर्टिकल ये आर्टिकल बहुत अच्छा मिला था एक ठीक है कि बायोलॉजिकल केमिकल कैरिफिकेशन की है एजिप्शन माइक्रो माइक्रोल की माइक्रोया उसके उससे आपने हम ये ऑल सेवन वर्जन हम ये वायले की जगह नहीं जाता अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं मैं बता देता हूँ अगर आपको कोई साइट ना मिल रही तो आप किसी और वर्जन पे जाकर सर्च कर सकते हो ये ऑल सेवन वर्जन पे गया मैं वर्जन का मतलब है किसी और वेबसाइट पे जाके पेपर वही होगा लेकिन इसकी वेबसाइट चेंज हो जाएगी तो देखते हैं किसी और वेबसाइट पे भी ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तक हम दूसरे देख लेते हैं आ, ये I think, ये हो हो ये होगा, होगा। कि नहीं, देखिए आपको पता लग गया, उसने पूरे उसके वगैरह दिए हुए फॉर एग्जांपल आपने ये वाला जो है ये डाउनलोड कर लिया आर्टिकल ये नहीं जी ये डाउनलोड हो गया

उसके बाद आपने क्या किया अब आपने लिख लिया अब आपने लोगों को बताना है कि हाँ इस पे रिसर्च पहले हुई हुई है अब आपने ये एक रिसर्च आर्टिकल खोल लिया ठीक है आपके पास अब ये है कि बायोथोनल प्रोड्यूस होती है कंक्लूजन पे चले गए हो कि पहले इसको पढ़ो उसका कंक्लूजन आया क्या उसने क्या है इट डिस्क्राइब दैट बायोथोनॉ कार्बन प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रोन इन वेरियस ये माइक्रो एल जी है ठीक है फ्रॉम म्यूनिपल वेस्ट वाटर अब इसने कहा से यूज किया हुआ है म्यूनसिपल वेस्ट वाटर से उसने जो एल जी ली है उस एल को उसने प्रोड्यूस किया है ठीक है पहली बात आपको एक मेन बात क्या पता लग कहाँ से वो ले सकते हो एल जी वेस्ट वाटर से ठीक है तो आप ये पहली लाइन लिख सकते हो जाके के... मैं आपको सामने लिख के दिखाता हूं एल जीटेड फ्रॉम म्युनिसपल वेस्ट वाटर ठीक है अब यहां पर बल्कि ये लाइन ज्यादा अच्छी ये रहेगी एलजी एक्सट्रैक्टेड या एल्गल बायोमास एक्सट्रैक्ट अब मैं आपके सामने पैराफ्रेजिंग कर रहा हूं ठीक है ये किस तरह हम सेंटेंस को अच्छा बना सकते हैं ठीक है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम म्यूनसिपल वेस्ट वाटर अभी इतनी बात हमने लिख ली एक सोर्स भी बयान कर दिया हमने उसका क्या था ठीक है अब हम आगे चलते हैं कि उसने और क्या कहा हुआ है तो कौन सा आर्टिकल था ये वाला था

शन अब आपने ये एक लाइन लिखी और इसके आगे इस पेपर को आ, मुझे ढूंढना पड़ेगा पेपर कौन सा था ठीक है ठीक है मुझे अभी सर्च करना पड़ेगा ये वाला था ठीक है इसको आपने साइड कर दिया दो हज़ार अठारह का पेपर है ठीक है आपने क्या किया आपने इसको एलियर का साइटेशन भी इसकी अच्छी है ठीक है ये रिसर्च आर्टिकल था ऐसे ही आपको ये अभी खुद सर्च करना पड़ेगा रिसर्च आर्टिकल कौन सा रिव्यू कौन सा खोल खोल के अब आपने यहाँ आप पे इसको साइड कर दिया अभी आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये रिसर्च है ठीक है ये रिव्यू नहीं है अब आप इसको नहीं आप पैराफ्रेजिंग टूल यूज ना करें वो आपकी ऐसी की तैसी फेर देता है की ठीक है और उससे कभी भी आपका देखिए मैं आपके सामने पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ कितना मुश्किल है पैराफ्रेज करना आपके सामने किया कुछ मुश्किल था इसमें नहीं आपने उसका सिर्फ कंक्लूजन पढ़ा है अभी अभी मैं सिर्फ कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ पेपर पढ़ने का तरीका है कि आपने पहले कंक्लूजन पढ़ा आपको पता लग गया उसके पेपर में उसने एक्सट्रैक्शन कैसे की है फर्ज करें आप एक्सट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम सेकंड पेज पे हैं सेकंड पेज पे हम ये लिख रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन हमने की कैसे अच्छा एक और बात पेपर डाउनलोड करके दो अलग फोल्डर्स बनाए एक रिव्यू का फोल्डर बनाया एक रिसर्च आर्टिकल्स का फोल्डर बनाया जो आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिलते जा रहे हैं ना जिनको आप कोट कर रहे हैं उनको उठा के रिसर्च वाले फोल्डर में डालते हैं जो रिव्यू आर्टिकल्स मिल रहे हैं उनको रिव्यू वाले फोल्डर में डालते हैं जब आपने जनरल बातें करनी है जैसे ये भी एक जनरल बात है कि वेस्ट वाटर से उसने एक्सट्रैक्ट किया और उससे बात प्रोड्यूस किया ठीक है डिफरेंट आप अब आप सोर्सिस का जिक्र करोगे अच्छा एल वेस्ट वाटर से भी मिल सकती है एल उसने जी अब आप आर्टिफिशियली कोई पेपर ढूंढोगे जिसके अंदर आर्टिफिशियली कल्टीवेशन हुई होगी आप उसका भी जिक्र करोगे ठीक है तो नंबर टू बात यह है कि जब आप जनरल बातें कर रहे हो ना तो वो रिव्यू आर्टिकल से कर सकते हो और रिसर्च आर्टिकल से करते हो तो उसका कंक्लूजन लेते हो क्यों क्योंकि मैंने बताया था वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है लेकिन फर्ज करो आपने इस तरह की बातें लिख ली एल को लिंक भी कर दिया मैं आपके सामने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देता जाऊंगा यहाँ आपने एल को लिंक कर दिया आपका सेकंड पेज जो है वो सारा इस बात पर होगा कि एल जो बायथनॉल से प्रोड्यूस होती है उस एल के सोर्स ज क्या क्या होते हैं ठीक है ये भी आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो और उसके अंदर आप रिसर्च आर्टिकल्स कोट करना स्टार्ट कर दोगे सारे रिव्यू आर्टिकल्स नहीं कोट करें ऊपर हमने कोट किए हैं दो इनमें से दो से तीन तरह तो आर्टिकल्स होंगे ठीक है जब आप रिसर्च आर्टिकल्स कोट करने स्टार्ट कर दोगे से कोट कर सकते हो आप उनके इंट्रोडक्शन से कोट कर सकते हो मतलब जनरल चीजें लिखनी है कितनी प्रोड्यूस हो रही है कितनी प्रोड्यूस नहीं हो रही अभी आप अभी बड़ी जनरल चीजें ये कि इसके सोर्सेज क्या है किन सोर्सेज से वो फाइंड हो रही है अब आपने जाना उसकी जील्ड वगैरह पे अब आप फर्ज करो कि आपने तीन चार पेपर और लिख दिए और एक साइटेशन आप बार बार दे सकते हो ये नहीं है कि आपने एक दफा साइटेशन दे दी इस पेपर को एक दफा लिख दी आप कहीं और नहीं लिख, इस पेपर को आप आगे भी लिख सकते हो ठीक है तो फर्ज करो आपने वो पेपर पढ़ा कहाँ गया तीन चार और पेपर पढ़ लिया है, है अब आप जाते हो इसके रिजल्ट के अंदर ये देखें यहाँ पर रिजल्ट है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड बायो एथनॉल जील्ड ऑफ नैनो क्लोरोना अब ये टेबल थ्री है वो बता रहा है कि आपकी बायोथनॉल की यील्ड कितनी हुई है 30 वेस्ट कितने से थर्टी परसेंट ऑफ वेस्ट वाटर से सिक्सटी से कितनी हुई है एटी फाइव हंड्रेड परसेंट ऑफ वेस्ट वाटर से कितनी हुई है सेवेंटी पॉइंट थ्री अच्छा आप गौर करनी है एक चीज कंट्रोल से कितनी हुई आप आपकी है आपकी असेसमेंट है इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू करना छापा नहीं मार रहे आप इस टाइम ये नहीं किया गया कि आपने ये लाइन ऐसे उठाई और उठा के लिख दी या ये लाइन ऐसे उठाई उठा के लिख दी अभी आप खुद टेबल पढ़ो पहले टेप छोड़ दो तो उसने आगे चीजें बयान की होंगी यहाँ पे थर्टी परसेंट से निकलोगे तो इतना बनेगा इतना बनेगा लेकिन आप खुद टेबल पढ़ो सबसे पहली असेसमेंट क्या है कि अगर कंट्रोल था ना कंट्रोल की भी उतनी जील्ड नहीं थी जितनी थर्टी परसेंट वेस्ट वाटर की जील्ड है ठीक है नंबर वन चीज नजर आ रही है ना आपको इसका मेरे लिटरेचर में रिजल्ट भी कोट कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं जब आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर असेसमेंट देनी है अब मैं असेसमेंट की बात कर रहा हूँ समझ लें दो पेजेस हो चुके हैं मेरे पहले पेज में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया दूसरे पेज में उन दोनों कीवर्ड्स को आपस में लिंक कर दिया मैंने बता दिया पूरा पेज ही सेकंड ये था कि का एलजी से क्या लिंक है एलजी से प्रोड्यूस होती होती है होती है तो उसके सोर्सिस क्या क्या हैं जहां से हम एलजी ले सकते हैं बायोथोल प्रोड्यूस करने के लिए फिर एल को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं जी हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं लिपिड में अभी हमको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बता रहे इसके अंदर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट कर सकते हैं और लिपिड से ये नहीं बताया कि कितनी कितनी कन्वर्जन हो सकती है उसके सेकंड पेज के लास्ट में आकर बता दिया कि हाँ दो तरह से हम थर्टी वेस्ट

मतलब थर्टी परसेंट वेस्ट वाटर में हाइएस्ट लीटर अचीव हुए हैं आपको ठीक है ये मिसाल समझा रहा हूँ मतलब आपको की इसका मतलब क्या है कि अगर थर्टी परसेंट वेस्ट वाटर यूज किया जाए तो आपकी कंट्रोल ग्रुप से भी ज्यादा जील्ड होती है एक तो आपके लिए आपका गैप आ गया है आपकी मैथोडोलॉजी आ गई कि आपने अपनी मैथोडोलॉजी और ये चीज आपने फिर चेक करनी है दो तीन आर्टिकल से क्या वाकई ऐसा होता है अगर तो आपकी मे... आपको ये चीज एक पता लग गई है इस मतलब चीज को थर्ट परसेंट से ना मैक्सिमम जील्ड आई थी किसी बंदे की मतलब अगर आप भी करोगे तो आपके भी चांसेस हैं कि थर्टी परसेंट से मैक्सिमम जील्ड आ सकती है तो जब आपने अपनी रिसर्च करनी है तो आपने ये ट्राई करनी है कि आप थर्टी परसेंट यूज करोगे अदर देन सिक्सटी या हंड्रेड

कि अच्छा इन परसेंटेज में किसमें ज्यादा आती है कि इनमें भी 30 में ज्यादा क्या पता टेन परसेंट में इससे भी ज्यादा आ जाए यील्ड ठीक है तो ये आपका डिफरेंस डिफरेंशिएट करना है इस तरह चीज को तो ये आपकी असेसमेंट है अब इसी को आप अपनी वर्डिंग में अगर लिखना चाहो मैंने कुछ नहीं पढ़ा ऊपर पैराग्राफ में क्या लिखा है अभी मैं कुछ ऊपर जाके नहीं रीड कर रहा हूं मैंने सिर्फ इस टेबल को पढ़ा अब मैं उस टेबल को ये मेरा थर्ड पेज स्टार्ट होने लगा है मैं उसकी असेसमेंट पे जाने लगा लगाऊ मैं इस टेबल को अपनी जुबान में लिखने लगा हूं मैं लिखूंगा एल जी प्रोड्यूस्ड

ये असेसमेंट पूरे टेबल की एक असेसमेंट अपने अल्फाज में बयान कर दी और ये जो ऊपर वाली साइटेशन थी ठीक है मैंने उसी को दोबारा यहाँ पर साइट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ये तो दूसरे पेज में दी थी ना ये थर्ड पेज है आपका इसी तरह आपने जो तीन से चार डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड करके रखे होंगे उन आर्टिकल्स को भी आप पढ़ोगे उनमें भी यील्ड चेक करोगे अब आप यील्ड पे आ गए हो आप उसके रिजल्ट्स पे आ गए हो जिनको आप लिटरेचर में डिस्कस कर रहे हो लोगों के रिजल्ट क्या आए हैं ठीक है आप उनकी मैथोडलॉजीज भी डिस्कस करोगे कैसे डिस्कस करोगे फॉर एग्जाम्पल इसकी मैथोलॉजी में हम जाते हैं एक दफा रुके इसने मैथोलॉजी क्या की इसने पहले और ये आमतौर पर सबकी सेम ही होती है माइक्रोलॉजी को उसने कल्टीवेट किया ठीक है कल्चर किया माइक्रोलॉजी को मतलब खुद उसने माइक्रोलॉजी तैयार की कहीं से ली नहीं

सबसे पहले एक तो आर्टिफिशियली कल्चर किया गया एल को आपको एक मैथोलॉजी की चीज पता लग गई सेकेंड चीज क्या पता लगी फिर उसकी केमिकल हाइड्रोलिसिस की या उसको आपने फिजिकली हाइड्रोलिस नहीं किया आपने उसकी केमिकल हाइड्रोलिसिस की हुई है फिर तीसरे नंबर पे आपने उसकी फर्मेंटेशन की है मतलब दो चीजें मेन क्या है आपने एक तो आर्टिफिशियली ग्रो करवाई है एल LG, और एल भी कौन सी है माइक्रो एल है दूसरी क्या की गई है और किसके यूज से करवाई है फोटो फोटोबायो को यूज करके करवाई है तीसरे नंबर पे उसको क्या किया दूसरे नंबर पे उसकी केमिकल हाइड्रोलिसिस किया अब आप कोई और आर्टिकल पढ़ोगे उसके अंदर उन्होंने लिखा होगा कि उन्होंने फिजिकली उसको को कहाँ से लिया जैसे हमने पढ़ा है ना एक पहले कि फ्रेश वाटर से एल जी ली है उस आर्टिकल में पता नहीं कौन सा आर्टिकल था तो था उसमें लिखा था कि फ्रेश वाटर से एल ली गई है और फ्रेश वाटर से एल लेने के बाद उसको फिर फिजिकली मिनूवर किया गया फिजिकली उसको कन्वर्ट किया गया ग्राइंडिंग वगैरह करके फॉर एग्जाम्पल ना उसको एल बायोमास की शेप में लाया गया तो ये दो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आ गई है आपके पास एक मेथोडोलॉजी आपको ये बता रही है कि उसने इस वे में किया है इसलिए मैंने कहा था आपको बहुत सारे पेपर रीड करने पर देखिए रीड करना मुश्किल नहीं मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया अभी कुछ नहीं पढ़ रहा मैं इसके अंदर उन डिटेल क्या लिखी मैं सिर्फ उनकी हेडिंग से उनकी हेडिंग से बात समझ रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं नंबर वन उन्होंने क्या किया एक तो ए, द, एक तरीका लोगों ने यूज किया हुआ है कि उसको एलजी जी की सोर्स कहाँ से लिया नेचुरल दूसरा तरीका यूज किया हुआ है एलजी की सोर्स क्या लिया आर्टिफिशियल दूसरी चीज क्या कई लोगों ने फिजिकली इसको ग्राइंड कर दिया फिजिकली मनोवर किया हुआ है कई लोगों ने इसको केमिकली ग्राइंड किया तो आप ये सारी मेथोडोजीज लिखोगे ठीक है एल जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज नेचुरल से जिन जिन लोगों ने किया उसकी एग्जाम्पल दे कि वो वेस्ट वाटर से उन्होंने उठाई ठीक है उन्होंने उसको कल्टीवेट किया ये भी एक तरीका है आर्टिफिशियली बनाई वो भी एक तरीका है ठीक है

उसके बाद ये आपने मैथोलॉजी का कंपैरिजन भी कर लिया थर्ड पेज के फर्स्ट हाफ के अंदर ये ये सेकंड हाफ तक चला गया वो अब ये, ये आपके पेजेस बना रहा है देखिए कैसे कैसे आपके पेजेस बनते जा रहे हैं आपको ये फिक्र नहीं हो रही कि मैंने क्या लिखना है लिटरेचर रिव्यू के अंदर कहा आप स्टार्ट में सिर्फ फैजी की बात कर रहे थे आप स्पेसिफिक पे आ गए हो ये कौन कौन सी मैथड यूज हो रहे हैं फिर आप उनके रिजल्ट पे आ सकते हो जैसे अभी हमने ये रिजल्ट कुछ डिस्कस किए हैं रिजल्ट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा फिर ये देखिए एक टेबल बना हुआ है ग्रोथ रेट का ठीक है कि ग्रोथ रेट किसमें इसमें भी गौर करने वाली चीज है, है, है और उसकी बायोमास की मैक्सिमम है और उसकी बायोमास की भी आई है। एक और चीज़ आपको यहां मिल कि अच्छा क्योंकि उसकी बायोमास की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा थी आफ्टर ग्रोइंग थर्टी परसेंट ऑफ वेस्ट वाटर मतलब जब आपने लैब के अंदर जाके पैट्री प्लेट में या अगर आप किसी हाई लेवल पे काम कर रहे हो उसके अंदर आपने थर्टी परसेंट वेस्ट वाटर वाली एल जी को जब ग्रो करवाया तो उसकी बायोमास की ग्रोथ ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा आई थी मतलब सबसे ज्यादा एल जी बनी उसी प्लेट के अंदर थी मिसाल देता हूँ तीन स्टूडेंट्स हैं ठीक है एक है अनीला एक है मैवी एक है आयशा अनीला को उनकी मैडम ने कहा कि थर्टी परसेंट ऑफ वेस्ट वाटर है वो वाली एल जी लेके आओ ठीक है जिसके अंदर थर्टी ग्राम एल जी होगी अब आप आपको मुझे थर्ट परसेंट वाला शायद आपको पता होगा जो हमारी बायोलॉजिकल टर्म है कि वो वेट बाय वॉल्यूम वाला थर्टी ग्राम एल जी या हंड्रेड एम एल वाटर के अंदर अनिला ने वो यूज कर ली ने 60 ग्राम इन वाटर वो यूज कर ली ठीक है और जो तीसरा नंबर पे आयशा थी उन्होंने हंड्रेड ग्राम एल जी इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर वो यूज कर ली अब ये तीनों के पास डिफरेंट परसेंटेज चली गई उनकी जो अनिला ने ग्रो कराई थर्टी परसेंट वाली उसमें मैक्सिमम बायोमास बना है क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है ठीक है जो मैविश ने यूज की उसमें सबसे कम बनाए हंड्रेड परसेंट में सबसे कम और एक कंट्रोल था वो है वो कंट्रोल ग्रुप था आपका ठीक है ये जो वन लिखा मतलब वो जो था वो थर्टी से भी कम था मतलब सबसे हाईएस्ट यील्ड किसके पास है यह अनीला के पास क्योंकि अनीला की बायोमास कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी अनीला की, की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी एलजी की ठीक है और सबसे कम टाइम में हुई थी सिर्फ ये देख, सबसे कम टाइम इसका टाइम भी कम था ग्रोथ भी करते हैं कॉपी करके लो जी इसको वर्ड में पेस्ट कर दिया उसको पैराफ्रेज कर दिया हमारा लिटरेचर रिव्यू बन गया नहीं लिटरेचर इस तरह से बनता है ये छापा मारने वाली चीजें पहले दो पेज में कर लो इतना छापा माना है जो अगले तीन पेज लिखने वो इस तरह से इंटरप्रेट करके लिखो लिखो अब यहां पर आके ठीक है ये एक पेपर का डाटा है लिखो कि क्यों बना क्योंकि उसकी यील्ड मैक्सिमम थी क्यों थी यील्ड मैक्सिमम ठीक है अब यहां यील्ड मैक्सिमम बिकॉज देन कंट्रोल एंड अदर पैरामीटर ऑफ वेस्ट वाटर इन लेस टाइम विद मोर बायोमास कंसंट्रेशन एंड ग्रोथ रेट ये देखो आपने एक लाइन के अंदर उसके पूरे पेपर के रिजल्ट को समराइज कर दिया कहीं छापा मारने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपने उसके उसके टेबल्स को पढ़ा भी भी मैंने मैंने इवन लाइंस लाइंस नहीं पढ़ी उसने में क्या लिखा है है टेबल से इंटरप्रिटेशन कर दी ठीक और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप लोग अपने सामने देख रहे हो ठीक है सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है उसकी पूरे रिजल्ट को आपने उठा के एक लाइन के अंदर बयान कर दिया अब आपने मैंने कहा था कम से कम बीस से तीस आर्टिकल्स पढ़ने रिसर्च आर्टिकल्स तो के मिल जाएंगे एक दिन का काम है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है? पड़ती एक पड़ता है लेकिन उतना मेहनत नहीं जितना आप सोच के बैठे आप करना सीख लिया इस तरह के आप सौ पेपर आ जाएंगे आप सौ को इंटरप्रेट करना सीख जाओगे ठीक है आपने एक पेपर पढ़ा फिर दूसरा पेपर पढ़ा फिर तीसरा आप पहले ट्राई करो एक एक्स्ट्रा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो उसके अंदर सबके को ऐसे लिखते जाओ विदर साइटेशन जब सबके रिजल्ट्स को लिख लो ना तो फिर देखो कि उनमें से किन के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हो कंपेयर क्यों फॉर एग्जांपल इसकी 30% वेस्ट वाटर ज्यादा थे किसी ने किया उसके 60% ऑफ वेस्ट वाटर में ज्यादा यील्ड आई है तो आप लिखोगे कि इसकी यील्ड 30% से आई है ठीक है फिर आगे लिखोगे कंपेयर्ड टू अभी इसी साइटेशन को दोबारा दे ओहो सॉरी ये क्या कहां साइटेशन ये येरी

ओपिनियन नहीं दे रहे यहाँ पे यहाँ पर आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन एक तरह का ये ओपिनियन भी शो हो रहा है लेकिन ये नहीं कहना आई थॉट आई से अदर रिसर्च ग्रुप शोड दैट 60 परसेंट वेस्ट वाटर जील्ड मैक्सिमम विद मोर बायोमास कंसंट्रेशन देन और यहाँ पर आपने वो मिटीलिया वाले पेपर को साइड कर दिया जिस दूसरे पेपर से आपने पढ़ा है देखे ये होता है आपस में कंपेरिजन करना आपने पहले एक टू भी, भी कह सकते हो और फिर इस चीज को डिलीट कर देना इन कंट्रास्ट ठीक है यहां पर सिंपल ये दोबारा ये भी कर सकते मिटीलिया शोड दैट ठीक है ये मैंने आपको कल बताया था नहीं तो आप इन कंट्रास्ट सिंपल यहां पे लिख दो रिसर्चर्स या रिसर्च 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 जैसे हमने पहले लिखा था शोड दैट 60 ऑफ और उस को साइड कर दिया कि वो किसकी रिसर्च थी तो दैट इज वाई आप रिजल्ट को कंपेयर करते हो पहले आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस लिटरेचर रिव्यू आपका ऑलमोस्ट सारा हो चुका है अभी हम आखिरी पैराग्राफ्स की तरफ जाना है अभी क्या हुआ कि आपने पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि पैराफ्रेज कैसे करना है मैं आपके सामने पैराफ्रेज करता जा रहा हूँ ठीक है फर्ज ये तो हमने चलो पढ़ के इंटरप्रेट करके पैराफ्रेज किया ऊपर वाली लाइन से इनको पैराफ्रेज कैसे करना है और इस था साथ साइटेशन देती जानी है ताकि आपका काम होता रहे अभी ऊपर वाली को पैराफ्रेज कैसे करना है ये देखें नॉट यू क्लोरोफिल आप इसको सिंपली अपनी वर्ड में क्या कर दो आप इस तरह इनको वर्ड्स को आप कहोगे हम इनको चेंज नहीं कर सकते कि है सकतेटिक है इनको घुमा दो घुमाना कैसे है एल जी आर यूक्रेटिक पहले आपने यूक्रेटिक बता दिया दैट ऑर्गेनिजम देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ये क्या हो गया दे आर फोटोसिंथेटिक ठीक है ये हो गया दे डू नॉट देर मल्टी सेलुलर sex organs. ठीक है ये ले जी एक पूरी लाइन हो गई लाइन वही है उसको आपने दो लाइंस में कन्वर्ट कर दिया एक लाइन को और उसको डिफरेंटली आपने अपने हिसाब से बता दिया बात वही है आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखा कहां मुश्किल है पैराफ्रेजिंग करना पता नहीं कितने लोग आकर मैसेज करते हैं जी ये पैरा क्या से रिमूव करते हैं प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करते हैं प्लेजरिज्म ऐसे रिमूव करते हैं प्लेजरिज्म आगे पढ़ लें ऑल एल्गी कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल आप इसको लिख दो ग्रीन 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 क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एल्गी या ऑल एल्गी था इन जी सिंपल दे आर पिगमेंट, दे आर कवर्ड विद डिफरेंट कलरफुल एंड कलरलेस, क्योंकि दोनों तरह के होते हैं थोड़ी सी नॉलेज होता है आपको पता होगा पिगमेंट्स दैट गिव देम डिस्टिंग्विश कलर दैट इज यूज्ड, टू हाँ मतलब कलरफुल एंड कलरलेस पिगमेंट लेने की बात खत्म गई वही बात है उसी पैराग्राफ को आपने लिखा और मुझे ऊपर वाली साइटेशन ठीक थी, है ये लें थी, आप इसको दोबारा साइट कर दें यहाँ से कॉपी कौ करें ये लें जी। ये ये साइट हो गई और ऊपर साइलेंट डिलीट हो गई ये जो आपने लाइन लिखी है इसको सबसे पहले ले जाए ठीक है आ, ये लें इसका कलर आप रिमूव कर दें ये ले, ये आपकी पैराफ्रेजिंग है कहा मुश्किल है पैराफ्रेजिंग मुझे बता दें आप लोग ठीक है तो मुझे हेक्टिक है तो मेहनत तो हेक्टिक होती है ना अब आप घर बैठे बैठे आर्टिकल पब्लिश करना है घर बैठे बैठे थीसिस पब्लिश करना है तो फिर वो क्या कहते हैं फिर दुकान पे बैठना भी मुश्किल होता है शादी करना भी मुश्किल होता तो है तो अच्छा अगर एम फिल कर रहे हैं तो फिर मेहनत से कर लें ठीक है तो ये तरीका होता है पैराफ्रेजिंग करने का जाके वो जो आप लोग कह रहे हैं ना कि टूल में डाल के कॉपी पेस्ट करके डाल दो वो फिर बाद में आपको पता लग रहा होता है जब बाद में जाके आप लोगों को प्लेजरिजम आ रहा होता है फिर आपके पकड़ा होता है यूनिवर्सिटी ने कानों से जाकर पूरा थीसिस दोबारा लिखो तो पहले इसलिए मैंने कहा अच्छा लिख लो आपका खुद अच्छा हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हो ठीक है आपके सामने लिख रहा हूँ कितनी देर लगी है अब यहाँ पर हम बैठ के मैं अगर ये एक घंटे के अंदर इतनी चीजें आपको बता दी अगर मैं आपको बताना रहा होता खुद कर रहा होता ये चीजें जो शायद मैं अभी तक ये दो तीन पेज लिख चुका होता तो अगर आप लिटरेचर रिव्यू दो तीन पेरीज एक दिन में लिख सकते

इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को एक लाइन के अंदर दो से तीन साइटेशन देने का तरीका क्या है फिर उनके डाटा को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है ठीक है अब ये आप लोगों ने दूसरों के रिजल्ट्स को जी साइटेशन नेसेसरी है क्योंकि ये अच्छा एक बात याद रखनी इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू कभी कोई बात आप लोग खुद नहीं कहते होते अगर आप साइटेशन नहीं दोगे तो उसका मतलब होगा कि वो बात आप खुद के अच्छा ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कल जी ऑर्गेनिज्म है सबको पता है उनके सेक्स ऑर्गन नहीं है सबको पता है ठीक ग्रीन होता है सबको पता है लेकिन पता है तो उसकी कुछ सोर्स है तो पता लगी है ना कोई ना कुछ सोर्स से पता लगा कि आपने पैदा हुए थे तो पैदा होते ही आपको पता था कि ये एल ऐसी होती है नहीं कोई सोर्स थी डॉक्यूमेंट की कोई रीजन थी जहां से आपको पता है आपने क्या लिखा अच्छा साइटेशन इंपॉर्टेंट क्यों मैं कल बताने लगा था आप लोगों को मैं फिर छोड़ दिया स्किप कर दिया अब आपने लिखा कि आपको कहां से पता लगी ये लाइंस कहां से पता लगी है आपको 2014 का एक आर्टिकल है वहां से पता लगी है उसने ये लाइन लिखी होंगी उसने साइट किया होगा कि 2010 का कोई आर्टिकल है उसको वहां से दो हजार दस वाले ने साइट किया होगा उन्नीस सौ का कोई आर्टिकल है उसको वहां से पता लगा है उसने साइट किया होगा कि 1930 का कोई आर्टिकल ले तो ले चीज़ आँगा ले, आँगा ले है तो ले दे के चीज एटलीस्ट एक कहते हैं ना एक दरख्त का जैसे हम डिफरेंट शाखे होती है तो ले दे के वो जड़ तक पहुंच जाता है साइटेशन के अगर आप बैकअप पे जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो तो साइटेशन का एक बिल्कुल बैकअप होता है रिसर्च आर्टिकल्स के लिए लेकिन इस तरह के जनरल टर्म्स का कि वो कहीं ना कहीं उस बंदे तक पहुंच जाती हैं जिस बंदे ने ये काम स्टार्ट किया था जो उसका ओरिजिन था जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी ठीक है तो ये बा, यही बात है कि इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो बात आपने कहीं पैदा होती नहीं सीख ली वो कहीं से कहीं से आपको पता लगी अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो कहीं से पढ़ के ये लाइंस लाइंस लिख रहे हो वो से पढ़ के लिखी वो लाइंस लाइन से पढ़ के लिखी तो हमेशा अपनी साइटेशन देते हैं विदाउट साइटेशन कोई बात करोगे तो वो वो आपके पड़ जाएगी और पछताना पड़ेगा आपको example, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता होता हूँ एक आदमी ने क्या किया था उसने पाकिस्तान का बंदा है वो ठीक है उस बंदे ने क्या किया कि उसने एक रिसर्च हुई हुई थी अब मुझे याद नहीं वो ऊंट पे थी तो उसने गाय पे कन्वर्ट किया या शायद गाय पे थी उसने ऊंट पे कन्वर्ट की मतलब पूरी रिसर्च अंग्रेज ने की हुई थी ऊंट पे उसने वो सारी रिसर्च उठाई सिर्फ ऊंट की जगह गाय कर दी और बाकी सारी रिसर्च वही रहने तो उसको पब्लिश करवा दिया उसकी नौकरी भी लग गई कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में पीपीएससी से लेकिन उसको बाद में किसी किसी ने 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 पता पता लग गया किसी ने रीडर ने लगवा लिया उस तरह ही दो तीन पेपर पढ़ रहा होगा उस रीडर को पता लग गया कि ये तो बिल्कुल एक तरह की चीज छापी हुई है उसने हल्की हल्की वैल्यूज चेंज की है जो पाकिस्तान में बहुत आम होता है बहुत आम होता है आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो उसको मैनुपुलेट कर दिया जाता है उसको करने का एक तरीका होता है कि आप पकड़े ना जाओ लेकिन लोग नहीं लोग क्या करते हैं चालीस दे दिए किसी को पचास दे दिया किसी को उसने उनके रिजल्ट कर दिए मैनुपुलेट कर दिए और बाद में जैसे उस बंदे के साथ हुई तो अल्लाह ना करी किसी के साथ लेकिन उसके साथ हुई है किसी ने पकड़ लिया वो दोनों आर्टिकल्स किसी ने पकड़ लिया लग गया कॉपी पेस्ट है उसने उसकी रिपोर्ट कर दी उसका केस हुआ लाहौर हाई कोर्ट में भी आचीसी ने उसको फिर बैन कर दिया उसको नौकरी से निकाल दिया गया इस टाइम बंदा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है ठीक है तो सिर्फ उसकी वो एक गलती है बस आर्टिकल पब्लिश हो रहा है छापा मार लेते हैं वो छापा मार रहे उसको कहा से कहा पहुंचा दिया ठीक है तो इस तरह की ना ये जो टाइम बचाने के लिए आप ये कहते हैं पैराफ्रेजिंग टूल यूज कर लेना ये टाइम बचाने के लिए करना, वो बाद में फिर टाइम ऐसे बचता होता है फिर सारा दिन वेले ही बैठे रहने वही बैठा है तो आपने वेले बैठना है तो ठीक है टाइम बचाने का आसान तरीका है ठीक है नहीं तो देखें आपके सामने मेहनत है कितनी देर लगी कोई देने लगी तो ये लिखा इंट्रोडक्शन कराया टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद उनका एक लिंक बना दिया वो जनरल चीजें थी लिंक बनाने के तो आपने डिफरेंट टर्म यूज करा के कौन सोर्स कौन कौन से थे जहां से लोगों ने लिया है ठीक है ये वही है जो आपने किसी रिव्यू आर्टिकल में पढ़ी थी कि सोर्स कौन कौन से थे जहां से लोगों ने लिए है लोगों ने लेने के बाद उसको फिर कौन कौन सी यूज की मैथोडोलॉजी जिसमें बयान की फिर उनके बाद उनके किस किस तरह के रिजल्ट आ रहे थे आने के बाद उसको किस किस तरह आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जैसे थर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट वाली आपके सामने एग्जाम्पल डाली है मैंने ठीक है कि आप डिफरेंट और कई हो सकता है हंड्रेड परसेंट भी ज्यादा आ रही हो फिर कई लोगों की हो सकता है टेन परसेंट भी ज्यादा आ रही हो कई लोगों की ट्वेंटी भी ज्यादा आ रही हो फिर आपने इस तरह डिफरेंट रिसर्चिज को पढ़ना है हो गया आपके दो से तीन पेजेस लिखे गए ठीक है फर्ज करो आपने तीन पेज या चार पेज लिख लिया आप पे आप कितनी स्टडी करते हो जितना आप ज्यादा स्टडी करोगे उतने आपके पेज भी ज्यादा हो जाएंगे उतनी आपकी क्वालिटी आएगी डॉक्यूमेंट की अब ये कोई पढ़ रहा होगा लिटरली इसको लग रहा होगा पता कि आपने क्वालिटेटिवली ये पढ़ा है आपने उसको ध्यान से पढ़ा है ठीक है उमेर तीन से पांच पेजेस का होगा मैंने पहले बताया था ठीक है इवन आफ्टर साइशन हाँ हाँ नेसेसरी है साइटेशन ये ऊपर भी देनी नेसेसरी और ये नीचे भी रेफरेंसेस आ रहे हैं देखिए ऑटोमेटिकली वहां होते जा रहे हैं ठीक है तो ये दोनों जगह नेसेसरी होता है ठीक है ये नीचे वाले इसलिए होते हैं कि आप वो जिसने ऊपर अब किसी को क्या पता कि ओने कौन है ओने कौन है जी वो जाएगा नीचे ओने कौन है ठीक है अच्छा जिसने ये पेपर लिखा है ये वाला, ये वाला नाम है पेपर का तो इसलिए वो उसकी डिटेल के लिए होता है यहाँ पे आप डिटेल ही लिख सकते हैं अच्छा आपने पूरा पेपर लिख लिया अब आ जाती है आपके बारी लिटरेचर रिव्यू के और मैं लिटरेचर रिव्यू पे सिर्फ आज का दिन इसलिए लगा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिखा गया समझ लो आपका इंट्रोडक्शन भी लिखा गया समझ लो आपका एब्रैक्ट भी ज्यादा बन गया समझ लो आपको आपकी methodology... अब देखो आपने ये किया है आपको पता लग गया मैथोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है कौन सी हो सकती है बताएं हमने दो भी मैथोलॉजी देखी नंबर वन सोर्स कहाँ से ले सकते हो नेचुरल ले सकते हो आर्टिफिशियल ले सकते हो नंबर टू सैंपलिंग पता लग गई हमने बात की ना सैंपलिंग कैसे हो सकती है हाँ आप सैंपलिंग कितनी करनी है वो आप पे है कि आपने कितने परसेंट वाली यूज करनी है लेकिन आपको पता लग गया कि थर्टी परसेंट वाली एक की ज्यादा है या तीन चार की ज्यादा हम बताता हूँ कंक्लूजन कैसे करना है रुके अभी मैं सिर्फ बात इस बात पे कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास क्या क्या आ गया आपके पास प्रपोज मैथडोलॉजी आ गई है आपने पंद्रह से बीस पेपर पढ़ लिया आपको उनका कंक्लूजन पढ़ लिया उनको आपने कोट कर दिया तो आपने जब स्टडी किया आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी ज्यादा अच्छी टेक्निक है कौन सी टेक्निक से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं आपको अब आपने देखा ना आपको झील ज्यादा चाहिए या क्वालिटी अच्छी चाहिए अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो वो किस टेक्निक से ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है अगर झील अच्छी चाहिए तो किससे से ज्यादा अच्छी आती है फर्ज करें अगर वो हम कहते हैं सिक्सटी परसेंट की झील्ड तो कम है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्वालिटी अच्छी है क्या मिल रहा था कि वो जो पेट्रोल है ना वो एक लीटर में सत्तर किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है लेकिन जो थर्टी परसेंट वाला वो आया तो डेढ़ लीटर है लेकिन वो गाड़ी बीस बीस किलोमीटर चलाता है अब फर्ज करो ए मैं बड़ी देसी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ थर्टी परसेंट वाले से डेढ़ लीटर बना दो डेढ़ भी नहीं आप दो लीटर कर लो दो लीटर बनता है थर्टी से सिक्सटी से एक लीटर बनता है लेकिन 60 परसेंट का एक लीटर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो 90 किलोमीटर तक चलाता है थर्टी परसेंट वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके अंदर ऐसी चीजें बच जाती हैं ऐसा मवाद एक्स्ट्रा बच जाता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो क्या करता है वो बीस किलोमीटर चलाता है या तीस किलोमीटर चलाता है तीस किलोमीटर चलाता है एक लीटर से बनता कितना है दो लीटर कितना चलाएगा साठ किलोमीटर दो लीटर बन के भी लेकिन सिक्सटी वाला जो है वो कितना लीटर एक लीटर बना रहा है लेकिन वो एक नब्बे नब्बे किलोमीटर चला रहा है तो हम लोग किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग कहेंगे झींड कम है इतनी अच्छी है मम्मा अच्छा लेक्चर ले रहा हूँ सॉरी वो मेरी अम्मी जान की कॉल आ गई थी ओके आवाज आ रही है आप लोगों को हेलो 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 जी सॉरी मेरे घर से अम्मी कॉल आ गई थी अच्छा ओके तो नहीं है आपने क्वालिटी क्वालिटी के पेपर में सब कुछ बताया होगा तो आपके पास एक सीधा सीधा असूल आ जाएगा कि आपने अब आप कौन सी चीज यूज करनी है आपको क्वालिटी चाहिए आपको ऋल चाहिए क्या चीज चाहिए कितने आराम से आपने डाटा को इंटरप्रेट कर लिया कुछ मुश्किल नहीं है करना अब आपके पास आपको पता है आप प्रपोज मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर सकते हो आपको पता है कि आपके कंक्लूजन क्या आ सकते हैं आपको पता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी हम वो भी कल लिख के देखेंगे मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी ये आपको पता लगी कि हाँ बात हमारा प्रोडक्शन बहुत रुरी है दुनिया में बहुत पैदावार हो रही है लेकिन उसके रिसोर्स कम ना हो जाए आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एम्स एंड क्या कि आपने ज्यादा क्वालिटी को आपने ऐसा कोई पैरामीटर यूज करना है कि उसकी क्वालिटी भी अब आप कह रहे हो एक से सेल्ड ज्यादा आ रही है एक से क्वालिटी ज्यादा आ रही है क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो चलो ना दो लीटर हो ना एक लीटर हो वो प्रोड्यूस डेढ़ लीटर हो लेकिन वो साठ भी ना चलाए वो नब्बे भी ना चलाए वो सौ सौ किलोमीटर चलाने लग जाए

वो जो दो लीटर था, वो भी अगर एक लीटर नब्बे किलोमीटर चलाने लग जाए तो दो लीटर एक सौ अस्सी किलोमीटर तो हम एक सौ अस्सी किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं डबल हो सकती है ये आपके पास क्या है एक हाँ, आपकी हाइपोथिस हाँ स्टेटमेंट हो गई है ठीक है तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके ऑब्जेक्टिव आपकी, आपकी हाइपोथिस स्टेटमेंट सारा कुछ तैयार है कुछ करने की जरूरत नहीं सिर्फ आपने उन चीजों को लिखना है तो आपका इंट्रोडक्शन भी इसी तरह बनेगा इंट्रोडक्शन तो लिटरेचर रिव्यू की एक बहुत शॉर्ट फॉर्म होती है ठीक है वो मैंने आपको कल बताया था बेसिकली देख लें आपके पास हर चीज क्रिएट आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव्स हैं आपका उस इन चीजों से आपका आपका बन जाएगा कंक्लूजन है गैप फाइंड करना गैप फाइंड करना नोवेलिटी फाइंड करना क्या था वो यही नोवेलिटी है कि आपने इस तरह कुछ करना है डिफरेंट डिफरेंट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें आपने जो पेपर साइट किए हैं उन पेपर्स के अलावा कुछ और पेपर्स रीड करके आप इंट्रोडक्शन ये जरा डिटेल होता है जो लिटरेचर रिव्यू के आपने पहले पेज भी लिखना है वो इंट्रोडक्शन के सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है मतलब आप बेसिक इंट्रोडक्शन तो वो आप कुछ और पेपर से आप पढ़ लें वो और जनरलाइज होता है लिटरेचर रिव्यू का जो पहला पेज होगा ना उसी को जनरलाइज करके आपने इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ बनाना है ठीक है जो लिटरेचर रिव्यू का दूसरा तीसरा पेज होगा मैथोलॉजी को डिस्कस कर रहा होगा डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस कर रहा होगा उसी को आपने एक पैराग्राफ बना के इंट्रोडक्शन का दूसरा पैराग्राफ बना देना मतलब एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके फिर जो लिटरेचर रिव्यू का तीसरा होगा डाटा इंटरप्रेट किया आपने उसे कंक्लूजन निकाला उसे ही आपने गैप फाइंड किया कि इस तरह हो सकता है इस तरह जील्ड कर सकते हैं ये हो सकता है वो हो सकता है उसको कन्वर्ट करके आपने तीसरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का बना दिया डिफरेंट क्या करना है ये वाले पेपर्स नहीं उठाने सेम पेपर्स और यूज करने ताकि आपकी साइटेशन भी इंक्रीज कर जाए और डिफरेंट आर्टिकल जैसे ये लाइन अगर मैंने ये इस आर्टिकल से निकाली है ये ली ल्यू वाले से कि जी क्या होता है तो आपने कोई और आर्टिकल उठाना है ये लाइन आपने उससे ढूंढ के इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देनी है तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर ठीक है बेसिकली देखें अब आपके पास हर चीज तैयार है लिटरेचर रिव्यू तैयार है आपका जब आप पूरा लिटरेचर रिव्यू इस तरह लिख चुके हो गए आपकी साइटेशन खुद ही डलती जा रही है अभी हमने ये कितनी लाइन लिखी है ये ऑलमोस्ट आधा पेज हुआ होगा अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ले जी नौ साइटेशन आपकी इन आधे पेज से आ गई हैं ठीक है तो आप इसे खुद ना लगा लो कि आप जो कहते हैं ना लिखना शायद नहीं कितना ज्यादा मुश्किल है साइटेशन हम कैसे इंक्रीज करेंगे साइटेशन इनक्रीज करना बिल्कुल ही मुश्किल होता कर है इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में है। ले है ठीक है ले जाइए आपके मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यह लिख दी है जी तीन पैराग्राफ ये ऑलमोस्ट आपका हाफ पेज बन गया हाफ पेज के अंदर आपकी कितनी ये नौ से दस साइटेशन आ गई हैं तो कितना इजीली आप आपकी आपने ये ना कितनी हो रही हैं साइटेशन? आपने पे फोकस करना है जी दोनों बेसिकली सेम थिंग है डिफरेंस ये लिटरेचर रिव्यू काफी डिटेल्ड होता है इट इज लाइक अ रिव्यू आर्टिकल इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन है ठीक है मतलब वो एक बड़ी बेसिक सी चीज है मिसाल के तौर पे मैं दिस एग्जाम्पल देता हूँ बिरयानी की देता हूँ दोबारा अब अगर कॉल करो आपसे पूछा जी बिरयानी कैसे बनती है आपको जी चावल से और गोश्त से बनती है ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन है सिर्फ कि चावल और गोश्त तो बिरयानी के अंदर कोई पूछे रेसिपी क्या है उसकी फिर रेसिपी डिटेल होती है ठीक है ऑयल डालना है फिर उसमें प्याज डालने है, वो उसको प्याज जो है भून भून जाए ब्राउन कलर के हो जाए फिर फल चीज फिर फला चीज पर भी इतना मसाला इतने नमक ये वो वो डिटेल है तो लिटरेचर व्यू क्या वो रेसिपी है लेकिन इंट्रोडक्शन क्या है कि सिर्फ चावल और गोश्त है जी बिरयानी के अंदर सिंपल तो इंट्रोडक्शन इतना सिंपल होता है ताकि वो एक आम बंदा सिर्फ उसको पढ़ सके एक फिजिक्स का बंदा इवन इमर शायद लीली इंग्लिश की है एक दो और इंग्लिश या सी के उमैर सी के तो, तो, तो वो लोग पढ़ रहे हो तो उनको पता लग जाए बेसिकली कि अच्छा ये साइंस का टॉपिक है लेकिन उनको पता लग रहा है इंट्रोडक्शन पढ़ गया कि इसमें कहा क्या जा रहा है तो इंट्रोडक्शन बेसिकली ऐसे होता है सीधे मुझे समझ नहीं आ रही है कौन किस चीज को रिपीट करने का कह रही है ठीक है समझ आ गई इस चीज की सर फिर थीसिस में पीछे बाकी क्या रह जाएगा बता थीसिस में नहीं थीसिस तो आपने और लिखना है आपके या रिसर्च प्रपोजल की बात है थीसिस में तो आपका पूरी मेथोडोलॉजी रह जाएगी जो आपने खुद काम करना है वही बात मैंने कही थी अगर आप साइन अच्छा लिख लो तो आपका थीसिस कुछ नहीं बचता पीछे सिर्फ मैथोलॉजी रिजल्ट वो जैसे जैसे आप सैप्पलिंग कर रहे हो उसको नोट डाउन करते जाओ कि मैंने अल इतने सैंपलिंग कर ली इतनी कर ली तो सारा काम आपका तैयार है जिस दिन आपका रिसर्च खत्म होगी ना जिस दिन आपके रिजल्ट आ जाएंगे

तो पीछे कुछ नहीं बचता एक अच्छा सान आपसे सत्तर परसेंट बना जाता है आपके थीसिस का तो वो जो स्टूडेंट तो टेंशन में होता है ना कि पता नहीं हम थीसिस कैसे लिखेंगे तो कोई उसमें करने की बात नहीं है बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो बताओ समझ आई आज के लेक्चर की अब आपको लिखने में कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ कि हम ये चीज लिखने में सोच रहे हैं कि हम ये चीज अगर लिखेंगे तो मुश्किल होगी कोई क्वेश्चन अब आपका टाइम है मुझे क्वेश्चन पूछो कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर हम लिखते अब मुझे ये कोई ना कि हमें लिख, समझ नहीं आ रही लिखना कैसे ठीक है लेआउट से लेके आपको पूरा लिटरेचर भी बता दिया लिटरेचर रिव्यू के अंदर से सारी चीजें निकल आई आएंगे ठीक है तो अब अगर कोई अब कोई अगर ये कहता है ना अगर किसी का सवाल है तो पूछ लो अब हाँ प्रैक्टिस के अलावा फायदा नहीं है मेरी बातों से अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना आएगा ठीक है बल्कि मैं कहूंगा आप लोग जाके लिखो बेशक पे एक पेज का लिटरेचर भी लिखो अपने अपने टॉपिक पे लेकिन आज लिखो एटलीस्ट लिखो आज ठीक है और मुझे सेंड करो कल लेक्चर से पहले पहले या कल ट्राई करें कल दोपहर दो बजे तक अगर हो सके तो मुझे अपना अपना मेरे मुझे पर्सनली मैसेज कर दें ठीक है आप हम अपना अपना लिटरेचर रिव्यू बेशक एक पेज का लिखें लेकिन एक पेज में समराइज करके उस चीज को लिखता है कि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको लिखना आ गया है ठीक है प्रैक्टिस करें वो कर लेंगे जो होता है ना वो पता नहीं फिर लेंगे कब आता है कि हम कभी कर लेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं साइंटिफिक राइटिंग के वो आज तक कर ही रहे हैं बेचारे ठीक है उनमें से सिर्फ पचास चालीस एक्टिव बाकी सारे वो कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ना छोड़ें ठीक है प्रैक्टिस करें और हम कल मुझे बता दे कल का दिन हमारा पूरा पड़ा है कल आप किस चीज पे बात करना चाहते हो अगर आप इसी रिटर्न फॉर्म को ही दोबारा किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो कल हम ये कर सकते हैं कल हम इसके बाद इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ठीक है थीके? वो हम पूरा लिख सकते हैं बैठ के क्योंकि ये लिटरेचर भी पूरा लिखा नहीं जा सकता था लेकिन मैं ट्राई की इसमें आपको सारी समझा दूं जो लिखने में होती हैं यूज ठीक है जी वही बात है इट्स अ पीस ऑफ केक लेकिन केक अब आप पे है कि आप खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते हैं ठीक है थीके? और आई डोंट थिंक आपको इतने अच्छे तरीके से कोई समझाएगा हाँ हाउ टू चेक प्लेजरिज्म अच्छी चीज है मैं बता देता हूँ चलो हम चेक करके देख लेते हैं ठीक है अगर आ गया तो मुझे ना कहना कि इसमें क्यों आया हम उसको रिमूव भी कर लेंगे प्रॉपर टेम्पलेट ऑफ साइन प्रॉपर टेम्पलेट मैंने उस दिन आपको जो बताया था और वो टेम्पलेट ही था बेसिकली ठीक है uh, ठीक है हम प्रॉपर टेम्पलेट लिख लेंगे मतलब हम पूरा यहाँ पर बना लेंगे टेम्पलेट ये अच्छा आइडिया है ठीक है ठीक है ठीक है हम प्रॉपर टेम्पलेट ही कल बना लेंगे अच्छा मैं आपको ना चेक कर देता हूँ ये जी टर्नेट इन पे गए डॉक्यूमेंट सेव तो कर लिया ना ओके ये देख लें टर्नेट कैसे यूज होता है जिसको नहीं पता ये क्लास का नेम है यूनिवर्सिटी का नेम है ठीक है उस पर हमने क्लिक किया ये आपके टीचर्स ऐसे ही चेक करते हैं आपकी असाइनमेंट्स वगैरह लेटर रेट हमारा स्लो हो गया अच्छा हाँ किसी को आती है कोरियन या चाइनीस पता नहीं क्या लिखी हुई है तो पढ़ ले खैर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया उसने अब ये देखे मैंने कई चेक किए हुए हैं खैर हम जाते हैं री सबमिट पे पढ़े फिर क्या लिखा हुआ है अपलोड ठीक है अच्छा तो अगर आपका प्लेजरिज्म डिटेक्ट नहीं होता तो वेल एंड हम देख लेते हैं कितनी डिटेक्शन आती है इसमें ठीक है लेकिन ट्राई करें अगर आपका हो जाता है तो ये नहीं कि घबराने बैठ जाना या सर पकड़ के बैठ जाना कि वो हो तो बहुत प्लेजरिज्म आ गया जैसे हमने पैराफ्रेज किया था उसी को हम दोबारा रीपैराफ्रेज कर सकते हैं कई दफा प्लेजरिज्म इस वजह से आ जाता है दो तीन चीज देखें यहाँ लिखा है नो डिपोजिटी शायद आपको नजर आ रहा होगा सबको इसका मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे करिए सेव नहीं होती अगर सेव हो जाएगी तो फिर उस पर अगली दफा हंड्रेड परसेंट आ जाएगा प्लेजरिज्म तो ये आपने जब भी अगर आप लोग खुद कभी करो तो याद रखना ये नो डेपोजिट्री के अंदर आपने चेक करना है ताकि वो सेव ना हो मैं इसको दस दफा चेक करूंगा मेरी मैं चेक करूंगी सुपरवाइजर चेक करें तो नहीं आएगा ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना होता है आप लोगों ने

ठीक है तो अगर आ जाए तो उसका आप दोबारा पैराफ्रेज करो उसके सीरेनम्स देख सकते हो वर्ड, वर्ड आप जाके कि उसके सीनेम्स यूज कर सकते हो साइंटिफिक टर्म अगर लिखी हुई है उसको आप जनरल टर्म में यूज कर लो फोटोसिंथेटिक है तो कैन ऑबटेन देयर फूड फ्रॉम सनलाइट फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इस टाइप पे कर लो अगर जनरल लिखी है उसको फोटोसिंथेटिक पे ले जाओ में जो है आपकी ट्वेंटी परसेंट तक चल जाती है ठीक है ट्वेंटी परसेंट से कम आपकी हो तो ठीक है कई यूनिवर्सिटीज में फिफ्टीन परसेंट से कम हो ठीक है जी पे दे देता है लेकिन वो आमतौर पर एक्सक्लूड हो जाते हैं हम रेफरेंसिस डिलीट करके चेक कर लेते हैं ठीक है डॉक्यूमेंट को वो इशू नहीं होता वो रेफरेंसिस आइडिया हो जाता है कि इसके में क्या ज्यादा है ठीक है ये हमारी परसेंट आई अब हम चेक करते हैं फोर्टी किस चीज में आई है फिर आपने उसको डाउनलोड करना है आपने इस जैसे मुझे अभी भी स्टूडेंट्स मुझसे मांगते रहते हैं तो हमने उनको फिर पैराफ्रेज कर लेना है ले जी कहां पे आई है हमारी ये देखें बेसिकली वही बात जो रेफरेंसिस में आई है सारी है ही रेफरेंसिस में अगर हम रेफरेंसिस को रिमूव कर देते हैं तो ये कोई फाइव परसेंट या फोर परसेंट होती है ठीक है लेकिन मैंने रेफरेंसी के साथ ही चेक कर लिया है तो इस बार आई है ऊपर हमारी कहाँ आइए नंबर वन देखें किस स्टेटमेंट के अंदर आई है जिसको हमने पैराफ्रेज नहीं किया था याद है

पेपर के अंदर इसी तरह लिखा गया था तो वो इस तरह सेम टू सेम आ गया आप इसी को उठा के पहले ले जाओ राइस कैन बी टू प्रोड्यूस करोसॉल फिर ये भी नहीं आएगा ठीक है नीचे देख लें कहीं पर भी आपके सामने मैंने आपके सामने बैठ के किया है मतलब अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को भी चेंज कर देते तो हमारा जीरो परसेंट प्लेजरिज्म था हमारी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेजरिज्म था ही नहीं ये जो शो हुआ है ये इन की वजह से शो हुआ है ठीक है तो जो कहते हैं कि पता नहीं प्लेजरिज्म रिमूव करना कितनी मुश्किल चीज है आपके सामने आज हमने किया है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल बच्चों वाली बात है कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है जो आप लोग लोगों से करवाते हैं या पैसे देते हैं मैंने मुझे पता है ठीक है चालीस चालीस पचास करवाते हैं प्रॉब्लम uh, स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज कर रही है अभी भी ओके okay. ये टॉपिक हमने सारा कर लिया अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमने टॉपिक चूज क्यों किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कहां से मिलेगी कि आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया क्यों कोई और टॉपिक नहीं चूज किया पहले बताओ बायोथनॉल प्रोडक्शन चूज क्यों किया नंबर वन कि हमें यह खदशा है कि कहीं ऐसे रिसोर्सिस हम पैदा किए जाए ठीक है कहीं जो नेचुरल रिसोर्स हम खत्म ना हो जाए नंबर वन नंबर टू ऐसे रिसोर्सिस पैदा किए जाए जिनके थ्रू हम सस्ता बायोथनॉल बना सके सस्ता पेट्रोल बना सके आपको पूरा चोलिस्तान के अंदर एल भरी पड़ी है आप वहां से एल एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल बना सकते हो पानी के अंदर एल इतनी होती है वहां से एक्सट्रैक्ट करके मतलब वो एक आम रिसोर्स है से पकड़ सकते हो एल को ठीक है एल से उसको कन्वर्ट करके बना सकते हो ज्यादा खर्चे का काम भी नहीं है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है फर्मेंटेशन करनी है 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 कोई बहुत बहुत मुश्किल काम काम नहीं है, बहुत सस्ते वाला काम है। सिर्फ यील्ड कितनी आती है वो देखनी है ठीक है तो उसको एक इंडस्ट्री लगा सकते नहीं लगा सकते सकते हैं नहीं हम अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं मतलब इस तरह की चीजें ये थी मेन प्रॉब्लम ये एक मैं ओवरऑल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ क्यों हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं क्यों दुनिया रिसर्च कर रही है कि एक आपको एक ऐसा मैथड मिल जाए ठीक है जिससे आप इजिली वातावरण प्रोड्यूस कर सको

ठीक है कि पता नहीं ये खत्म ना हो जाए ये बिल्कुल ही महंगी ना हो जाए इस तरह के जैसे मैंने बताया कि दुनिया सारी तेल पे चल रही है क्योंकि जिसके पास तेल है वो अमीर तरीन मुल्क है वो उसको बेचते हैं तो अगर एक गरीब मुल्क ऐसी फैक्ट्री लगा ले फॉर एग्जाम्पल जिसमें वो एल को कल्टीवेट करके बाथोन बना रहा है उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ना कोई जाके जिनके पास ऑयल कंट्री है उनसे जाके बात ही नहीं करेगा उनको कोई पूछेगा ही नहीं और आजकल यही हो रहा है कह रहे हैं कि अगले दस सालों के अंदर इस तरह कुछ कर लिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट कर लिया जाएगा या ऑयल के क्रिएट कर लिए जाएंगे थ्रू दैट थ्रूटेज या इन सोर्सेज के जरिए कि उसके बाद जो है ना इन ऑयल कंट्रीज की ऑयल बेस्ड कंट्रीज की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बेसिकली ये बात है ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक मसला क्या था जिसकी वजह से आप ये जिसकी वजह से दुनिया रिसर्च कर रही है इस पर आप रिसर्च करो जब आप अपनी बात करोगे तो आप उसको पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर बायोथनॉल कंजम्पन बहुत ज्यादा है ले तो उसके ऐसे सोर्सेस फाइंड किए जाएं उसको ऐसा प्रोडक्शन फाइंड की जाए कि इजीली उसकी कंजप्शन पे पूरा उतरा जा सके और हम इंपोर्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा पेट्रोल या बायोएथेनॉल उस इंपोर्ट से हम बच सकें तो ये इस तरह की चीजों को आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो ओके okay, मैं और क्वेश्चन देता हूं आपके okay. Difference between research and 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 review review article, article where where when to to extract data from form मेरे पास है तो में भी ये पड़ी हुई है अच्छा हो गया ये पता नहीं आप लोगों को ये हर बैच में ये कन्फ्यूजन होती है कि रिसर्च आर्टिकल क्या है सो वट इजर ये लेफ्ट पे आपका रिसर्च आर्टिकल है राइट right पे आपका रिव्यू आर्टिकल है research, क्या होता है रिसर्च आर्टिकल का आप खुद एक रिसर्च करते हो ओरिजिनल रिसर्च होती है जो आपने अपनी लैब के अंदर की होती है ठीक है उस रिसर्च को जो आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखते हो तो वो रिसर्च आर्टिकल होता है रिव्यू आर्टिकल क्या होता है कि आपने कुछ नहीं किया घर बैठे हुए ले आपने कहा लोगों के रिव्यू लिटरेचर पढ़ता हूँ लोगों ने रिसर्च क्या की हुई जैसे अभी आज हमने पढ़ा कुछ जो लोगों ने रिसर्च किया उसको फिर आप इंटरप्रेट करते हो अपने अल्फाज में वो क्यों करते हो रिव्यू पेपर क्यों लिखा जाता है ताकि एक बंदा जैसे हमने यहाँ एक रिव्यू आर्टिकल पढ़ा एक बंदा उसको रिसर्च की समझ नहीं आती इतनी आतीस का बच्चा है लेकिन वो एक रिव्यू पेपर पढ़ के उस टॉपिक को समझ सकता है एक 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 रिव्यू पेपर में में स्टडीज की की बात होती है। एक आर्टिकल में एक की बात होती होती है है रिसर्च आर्टिकल स्टडी तो रिव्यू में आप सौ लोगों का ओपिनियन एक जगह पढ़ सकते हो तो जो रिव्यू आर्टिकल लिखता है रिव्यूअर होता है वो बेसिकली रिव्यू कर रहा होता है कि सबने जो रिसर्च की उनका बेसिक मकसद क्या कंक्लूजन क्या है तो जो उनको पढ़ने वाले रीडर होते हैं उनको ये फायदा होता है कि वो एक पेपर के अंदर सौ पेपर की चीजें पढ़ सकते हैं ठीक है जैसे आपने अगर नॉलेज लेना अपने टॉपिक के मुताबिक तो मैं सबको रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ो अपने वही ओरिजिनल रिसर्च होती है।, दूसरी तरफ जो है वो लोगों की रिसर्च होती है, है? जि जिसको आप लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हो लिखा कैसे जाता है उसमें जो रिव्यू रिसर्च आर्टिकल उसमें मैथोलॉजी आप यूज करते हो कुछ रिजल्ट आते हैं रिजल्ट की होती है, लगा के, कुछ भी है। तो वो ये रिसर्च आर्टिकल है सॉरी रिव्यू आर्टिकल क्या होता है के आप खुद को मैथोलॉजी यूज नहीं करते है, खुद को रिजल्ट नहीं आते आपके लेकिन आप दूसरों के रिजल्ट को पढ़ के दूसरों की स्टडी को पढ़ के अपने अल्फाज में इंटरप्रेट करके उन पर स्टैट वगैरह लगा सकते हो तो ओवरव्यू दे रहे होते आप दूसरों की का, इस तरह से इसको लिखा जाता है रिपोर्ट क्यों क्या रहता है वही बात रिसर्च आर्टिकल आपका अपना होता है आप बताते हो कि मैंने ये फाइंड किया है मेरी ये फाइंडिंग्स निकली हैं यह सारा ठीक है मतलब और रिव्यू आर्टिकल बताते हो कि लोगों ने रिसर्च किया तो उनमें से बेस्ट मेथोडोलॉजी कौन से हो सकती है बेस्ट रिजल्ट्स कौन कौन से निकल के आए हैं ठीक है Uh, later, जो रिसर्च आर्टिकल है आमतौर पर तीन हजार से छह हजार वर्ड्स तक का होता है कुछ जर्नल तक की भी लिमिट होती है रिव्यू आर्टिकल आमतौर पर से वर्ड्स तक लिखा जाता है विदाउट रेफरेंसेस बात कर रहा हूँ विदाउट विदाउट रेफरेंसेस एंड विदाउट इंटेक्साइटेशन ठीक है उनके अलावा तीन हजार से पांच हजार चलो आप इंटेक्स भी मिला लो तीन हजार से पांच हजार लेकिन आमतौर पर जब कोई जर्नल कहता है वो जर्नल ये कहता है आपको जब भी जर्नल से लिखते हैं कि पांच हजार वर्ड्स तक तीन हजार से पांच हजार वर्ड तक रिव्यू आर्टिकल हो

वैसे मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो साइंटिफिक का ये जो तो क्वेश्चन पूछने उन्होंने कोर्स लिया है कि नहीं अगर लिया है तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं कि मैंने कि क्या क्या, क्या लिटरेचर रिव्यू में होता है ये देखें ये होता है लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट इंट्रोडक्शन होता है आइडिया देना होता है कि आप किस पे काम कर रहे हो आपकी सेंट्रल थीम क्या है फिर आपकी बॉडी होती है बॉडी के अंदर आप डिस्कस कर रहे होते हो ठीक है डिफरेंट चीजों को आगे देख लेते हैं फिर आपके एंड पे कंक्लूजन रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन में वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि हम थर्टी परसेंट यूज कर सकते हैं उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ब्ला 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 ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर व्यू क्या है ब्रॉडर टॉपिक्स है सब उसकी कैटेगराइज करते हैं ना सब टॉपिक पे सब टॉपिक्स में क्या आ जाएगा ब्रॉडर टॉपिक क्या था एल जी का बैथेनॉल क्या है सब टॉपिक क्या था एल जी की सोर्सेस क्या है किन किन मेथोडलॉजी से हो सकता है

ठीक ऑथर की जगह आपने वो करना है उनको तो इस तरह आप एग्रीमेंट शो कर सकते हो डिसग्रीमेंट कैसे शो करना है कि उसने ये काम किया हाउ एवर ऑथर बी दैट वाला हो सकता है ऑन द अदर हैंड ऑथर सी कहता है ऐसे हो सकता है कन्वर्सली ऑथर डी कहता है ऐसे हो सकता है ऑथर ई कहता है ऐसे हो सकता है ठीक है तो इस तरह आप लिंक बना सकते हो इस समरी टेबल लिटरेचर में बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ आप ओवरऑल आपने स्टडीज पढ़ ली आप उसको एक टेबल की फॉर्म में बना सकते हो टेबल की फॉर्म में कैसे आपने ये लिख दिया कि ऑथर पहला ऑथर ये है जी दूसरा ये है तीसरा ये है चौथा ये है पांचवा ये छह है, छे है। पहले ऑथर ने इतने सैंपल यूज किए हैं, दूसरे ने इतने सैंपल ने ने की environment, environment ने, नहीं, आपकी मैथोलॉजी काम की मैथोलॉजी पहले मैथोलॉजी ये टेबल की फॉर्म में लिख रहे हो तो पहले के कंक्लूजन आए हैं दूसरे के यहा हैं तीसरे गए चौथे गए हैं पांचवे के छठे के हैं पहले ने जो यूज की एल जी वो फ्ला एल जी यूज किया दूसरे ने फ्ला की है तीसरे ने फ्लां की चौथे ने फ्ला छठे ठीक है इस तरह पूरा एक टेबल बना के समरी टेबल एंड पे और उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती

बढ़ने की कुछ रीजन होंगी तो आपकी क्या रिसर्च उन रीजन को ओवरकम कर रही है अगर हाँ तो आप लिख सकते हो कि ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इट इज इंक्रीजिंग डे डे तो तो आपने इस इस रिसर्च करने का सोचा तो आप इस तरह डिजीज को डिफाइन कर सकते हो सुपरवाइजर से कैसे सर्च कर सकते हैं उनकी रिसर्च कैसे सर्च करेंगे यार वो बहुत लंबा टॉपिक है सुपरवाइजर को सर्च करना उसको डिटेल में असेस करना वो अगर आप लोग के ना वो साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स में आपको आइडिया हो जाएगा रिव्यू आर्टिकल किस तरह पब्लिश होता है फिर पब्लिशिंग फिर लादा बात है वो एक दिन में कवर नहीं हो सकती उसमें पूरा मतलब मैं यहाँ पर पंद्रह मिनट में कवर नहीं कर सकता पब्लिशिंग पे बहुत ब्रॉड टॉपिक है उस पर पूरा का पूरा सेशन बनता है इवन डॉक्टर जवाहर ने डेढ़ घंटे का लेक्चर दिया हुआ उस पर आके एक से डेढ़ घंटे का तो वो एक अलग पूरी टर्मिनोलॉजी हो जाती है

जी इन disease. Disease के केस ऑफ डिजीज ये करेंगे आपने सैम्पलिंग करनी है सैंपलिंग कितने लोगों की कर रही है पेशेंट्स का एक नंबर होता है हंड्रेड की कर रही है फिफ्टी की कर रहे हैं थर्टी कर रहे हैं तो आपको पता होगा आप कितनी सैंपलिंग कर सकते हो नंबर वन नंबर टू सैंपलिंग किसकी कर रहे हो वो इंक्लूसिव क्राइटेरिया एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया मैंने बताया था क्या फीमेल्स की करनी है इनकेसंसर करनी है इन केस ऑफ प्रोस्ट कैंसर दोनों की हो सकती है इन केस ऑफ लंग कैंसर मैं कैंसर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो उसकी कर रहे हो या कोई ऐसी चीज जिसपे मेल फीमेल दोनों की हो सकती है ठीक है फिर कोई एज वाइज उस पर फैक्टर है कि इस एज तक ही कर रहे हो सैम्पलिंग फला की नहीं कर रहे सिर्फ एडल्ट की कर रहे हो सिर्फ बच्चों की कर रहे हो सिर्फ बूढ़ों की कर रहे हो ये क्राइटेरियाज उसमें लगते हैं फिर उसके अंदर आप क्राइटेरिया लगा सकते हो कि अगर वो स्पेसिफिक डिजीज है तो उसके साथ कुछ जैसे अगर डायबिटीज है डायबिटीज के साथ दो तीन चीजें इंटरलिंक कर जाती हैं हाइपरटेंशन डायबिटीज के साथ इंटर इंटरलिंक कर जाता है

लाइक वो पी सी उनका डीएन एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे फिर अगर पर अपने म्यूटेशन अगर चेक करनी है तो अगर वो जेनेटिक डिजीज है तो आप उसका एक्सट्रैक्ट करोगे जेनेटिक्स पीसीआर करने के बाद उस पर डाटा को सीक्वेंसिंग के लिए भेजोगे सीक्वेंस करोगे चेक करोगे म्यूटेशन कहाँ पे हैं तो इस तरह आपको पूरी मेथोलॉजी आपकी बनती है ये कौन कौन से ऑपरेटर्स अगर इस पर रिव्यू आर्टिकल लिखा जाए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं जी डिजीज पे लिख सकते हो लेकिन कितनी डिजीज पे लिखना चाहते हो कोई एक डिजीज पकड़ो उसको एक स्पेसिफिक uh, उसका क्राइटेरिया उस आप रिव्यू आर्टिकल लिख दें इट इज नॉट डिफिकल्ट लिखना मुश्किल नहीं है बात यह लिखने के लिए उठना मुश्किल है लिखना आसान होता है लिखने के लिए दिमाग बना के उठना मुश्किल होता है जैसे नमाज पढ़ना आसान है नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है लेकिन खुद को उठा के नमाज पढ़ने के लिए लेके जाना मुश्किल है ठीक है फजर के टाइम नमाज पढ़ना चार रखते हैं सबसे आसान जो नमाज है वो फजर की है चार रखा आते हैं दो सुन्नत

ये दोनों चीजों में ना बहुत फर्क है जो हम चो, हम लोग फर्क समझते नहीं है नमाज पढ़ो या मैंने उठ के पढ़ ली ये होता नमाज पढ़ो नमाज कायम करो क्या मतलब होता है आपकी अटेंशन हो अटेंटिवली नमाज पढ़ो तो पढ़ ना रही हो सिर्फ उसको कायम करो परमानेंटली सस्टेन करो इसी तरह आप जब लिखते हो ना तो सिर्फ लिखो नहीं कि लिखा खत्म हो गया जी एक पैराग्राफ लिखा बस अगले हफ्ते लिखेंगे नहीं उस लिखने को कायम करो रूटीन बनाओ लिखो टाइम दो ठीक है ये होता है जैसे नमाज और वही बात है कि हर चीज अपने आप को तो तो सिर्फ करना नहीं होता उसको भी कायम करना होता है ठीक है तो सुबह नमाज कायम भी किया करें और डेली लाइफ में भी अपना काम तो किया खैर कोई और क्वेश्चन एक पोइम के किसी एक एस्पेक्ट थीम पर कर सकते हैं रिसर्च रिसर्च पता नहीं कर सकते कि नहीं रिव्यू जरूर कर सकते हो आप उसके थीम पे रिसर्च हाँ, देखो research होती है, मुझे आइडिया है, है।, है।, है आप किसी ऑथर पे किसी शेक्सपियर वगैरह पे ये देख सकते हो कि उसने अगर वो लिखा है तो उसका बेसिक एक तो है कि थीम क्या है तो उस ऑथर का माइंड क्या था उसने आप रिसर्च उस ऑथर पे कर सकते हो कि उस ऑथर ने जितना कुछ लिखा है आप शेक्सपियर पर रिसर्च करो अब लिखो शेक्सपियर का माइंडसेट क्या था उसकी सोच क्या थी उसकी हर पोइम का कोई स्पेसिफिक एंगल इकबाल पे बात करते हैं तो इकबाल पे खुद ही की बात आती है इकबाल ने अपने आप को जगाने की बात की है अपने अंदर के मोमिन को जगाने की बात की है तो वो इकबाल का एक स्पेसिफिक थीम है मिर्जा गालिब ने अपने अंदर के आशिक को जगाने की बात की है ठीक है तो हर बंदे का एक थीम होता है मीर तकी मीर जो है दाखिली शायरी करते थे इंटरनल शायरी करते थे ठीक है तो इस तरह हर पोइट कुछ पोइट जो मजाक की तरफ जाते हैं हमारे अनवर मकसूद साहब में वो मजाक की शायरी करते हैं हर शायर का हर राइटर का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है एक स्पेसिफिक आइडिया होता है आप उस आइडियोलॉजी पे उसकी रिसर्च कर सकते हो ठीक है कोट करके उसकी चीजों को खैर और कोई क्वेश्चन जी जी पब्लिकेशन का पूरा लेक्चर है डॉक्टर जवाद ने आके खुद वो हमारा सेशन दिया अगर आप लोग कहोगे तो मैं खुद वो सेशन दे दूंगा अगर डॉक्टर जवाद से सुनना चाहते हैं तो उनका भी लेक्चर पड़ा हुआ है पब्लिकेशन पे पूरा प्रोसेस है मैथडोलॉजी पे नहीं है मैथोडोलॉजी पे क्यों नहीं है मैथोडोलॉजी हर बंदे की अपनी होती है अब मैं यहाँ मैथोलॉजी डिस्कस अगर आप कहोगे तो हम कर लेंगे डिस्कस मैथोलॉजी अगर आप लोग कहते हो तो हम साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग में मैथोलॉजी अगर डिस्कस करेंगे तो आपकी मैथोलॉजी और होगी मेरी मैथोडलॉजी और होगी मैथोलॉजी वही होती है जो मैंने आपको दिखाई थी जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह या सारा कुछ हम उसको कर सकते हैं करने में इशू नहीं है देखिए बेसिकली हमारा इंग्लिश राइटिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिफ्टीन ऑफ फेब्रवरी से उसके बाद हमारा फ्री का कोर्स है वो ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी से स्टार्ट हो रहा है <च्चाए> तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स रख सकते हैं लेकिन अब डिपेंड करता है मसला ये कल मैंने डिस्कस किया टीम से तो थो थो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कुछ लोग कह रहे थे कि साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स या तो, तो जैसे हम पहले करवाते हैं फाइव डेज का वही रखें ठीक है विद द सेम फीस उसकी रीजन क्या है कि अगर हम वो कोर्स रखते हैं ठीक है तो न्यू ऑडियंस भी आएगी बहुत ज्यादा जैसे आप में से काफी ज्यादा न्यू लोग हैं तो न्यू लोग आएंगे तो अगर हम सिर्फ वो दो दिन का कोर्स रखे या तीन दिन का कोर्स रखे सिर्फ सर्चिंग टेक्निक्स पे बात कर लेंगे तो उन लोगों के लिए ना इंसाफी होगी जो कोर्स लेने आ रहे हैं उनको बाकी चीजों का नहीं पता लगेगा कोर्स वही होगा ठीक है वो जो पूरा पांच दिन का कोर्स होता है साइंटिफिक राइटिंग का वही चीजें होंगी अब आप पे है कि आप वो कोर्स लेना चाहते हो कि नहीं ठीक है कि आप में से अगर वो कोर्स आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो अगर नहीं लेना चाहते वो भी आपकी मर्जी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद असेस कर लो कि आप लोग वो कोर्स लेना चाहते हो कि नहीं सीख के ही जाओगे कुछ ना कुछ बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप लोग आप लोगों ने हजार रुपया दिया इस कोर्स में आप लोगों को पता है कि आपका हजार रुपया वर्थ था कि नहीं था अभी आप लोगों का अपना डिसीजन आपने लोगों दिल से पूछना है ठीक है रेफरेंसेज को आप डिलीट कर दें उसके बाद आप एजीजम चेक कर लें तो आप चेक कर सकते हो ठीक है वर्ड डॉक्यूमेंट डिलीट कर लें, उसके अलावा चेक खैर बेसिकली आप लोगों ने खुद असेस करना है अगर तो आपको लगता है कि आपका वर्थ किया तो मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूँ अगर आप वहां भी आकर अपने पैसे लगाते हो साइंटिफिक राइटिंग कोर्स पे तो वो भी आपके वर्थ करेंगे क्यों उस पर आपको मैं एक सिंपल सी सीजे मैंने कल आपके ग्रुप में सीखा है तो लोग सिर्फ एंड नोट को सिखाने का दो हार लेते हैं इसी तरह पब्लिकेशन और हंसी आती है वो पब्लिकेशन करने का दो से तीन हजार का कोर्स होता है सिर्फ पब्लिकेशन करने का तरीका बताने का करने का भी नहीं तरीका बताने का सिर्फ ठीक है दो से तीन हजार का कोर्स होता है अगर आप लोग उस साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स लेते हो तो उसमें भी अभी इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को पता लगेंगी मैं आपको दिखा दी इंग्लिश कोर्स का कंटेंट बताएं देखें इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट मंथ जो होगा वो हमने बहुत सस्ता रखा है आमतौर पर आप देखेंगे तीन तीन में पूरा ऐसे राइटिंग के कोर्स हो रहे होते हैं हमने इंग्लिश राइटिंग का जो कोर्स रखा है आप जाइएगा ना मैं आपको साइंटिफिक राइटिंग का दिखा देता हूँ सबको इंग्लिश राइटिंग का जो हमने कोर्स रखा है वो बेसिकली इस तरह रखेगा फर्स्ट मंथ हम बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हर चीज़ को भी हर चीज चीज को को एक्टिव डिस्कस किया जाएगा सेकंड मंथ हम उसको डिवाइड करेंगे तीन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप जो सी की तैयारी करना चाहता है एक ग्रुप जो कंटेंट राइटिंग करना चाहता है फॉर फ्रीलांसिंग और एक ग्रुप जो है वो जो सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहता है उसके बाद जब ये कोर्स रिटन इंग्लिश का मुकम्मल हो जाएगा तो वी आर आल्सो गोइंग फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स और वो भी इंशाल्लाह सस्ता ही होगा कोई महंगा नहीं होने होगा इंग्लिश राइटिंग का सिर्फ हमने पैसे रखे हैं तीन सौ रुपया पूरे माह का दो से तीन दिन क्लासेज होंगी बाकी चार से पांच दिन आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जा रही होंगी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर तो पूरा माह आपका कुछ ना कुछ चल रहा होगा लेकिन हमने सिर्फ फीस अगर हम जाते हैं हजार रुपया भी रखते हैं आपको पता है, लोगों ने आ जाना था लेकिन बस ये सोच कर रखा कि यार चलो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए तो उसका बेसिकली मकसद ये था तो तीन सौ रुपया है लेकिन जो पहले पचास मेंबर्स हैं उनके लिए दो सौ रुपया फीस होगी जो फिफ्टी फर्स्ट फिफ्टी पार्टिसिपेंट जो होंगे उसके बाद तीन सौ रुपया होगी ठीक है फर्स्ट फिफ्टी के बाद हम एक दिन के लिए बंद कर देंगे और उसके बाद फर, फर्दर थ्री हंड्रेड रुपीज होगी ठीक है खैर तो इंग्लिश राइटिंग और इनशाला बहुत अच्छा कोर्स होगा वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हमारे पेज में आपके इस ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आप लोग ग्रुप ना लीव कीजिएगा बल्कि मैं आपको कल मल्टीस के बारे में बताऊंगा तो हमें जो ज्वाइन करना चाहते हैं कल से कल इन पे डिटेल बात करेंगे जहां तक बात है उस पर आपके उसके बाद हमारा फ्री का कोर्स है जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं फाइबर फाइबर कैसे कैसे यूज करना करना है है पे काम कैसे करना है? उसकी पूरी डिटेल सर मोहसिन काफी कोर्सेज हैं उन्होंने डीजी स्किल से बहुत ज्यादा मतलब इनपे फ्री लांसिंग पे ई e कॉमर्स पे ई e लर्निंग बहुत कोर्सेज किए हमें तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो आगे करवाएं तो वो आगे करवाएंगे और सर तय्यब ई कॉमर्स पे काम करवाएंगे शॉपि पे अपना अकाउंट बना के विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप कैसे अर्न कर सकते हो आउटसाइड यूएसए यूके आप कैसे अपना सेलिंग uh, कर सकते हो घर बैठे बैठे और कमा सकते हो तो होगा तो e और, और उसकी फोर्स भी बहुत मिनिमल होगी उसकी कॉस्ट भी ठीक है कोई हजार या बारह सौ या पंद्रह सौ इतनी होगी मुझे आइडिया नहीं एक्ट एक ठीक है वो उसके बाद हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में जी हमारे अवेयरनेस सेशन डिफरेंट होते रहते हैं इमरान मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर हमारा Uh, जो मैं आपको कल बताऊंगा मल्टीओमिक्स क्या है बेसिकली उसके बारे में जो लोग बिल्कुल नहीं है मार्च के फर्स्ट वीक में इनशाला हमारा साइंटिफिक राइटिंग का कोर्स होगा मुझे मसला ये है मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही है का कर, कोर्स करें काफी रिक्वेस्ट आ रही है साइंटिफिक राइटिंग का करें तो हो सकता है मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा लाइक फर्स्ट टाइम में एक टाइम पे या फिर मुझे सात दिन पहले एक कोर्स सात दिन फिर दूसरा कोर्स पांच दिन पाँच दिन इस तरह करवाना पड़ेगा लेकिन देख लें अब आप लोगों पर है अगर आप जी जी मैं कल मल्टीमेस का सब कुछ बताऊंगा आप लोगों पे आप लोग कोर्स करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है जैसे मैंने आपसे फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के पैसे वर्थ करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को पैसे जाए जा रहे हैं इवन अगर आप लोग सिर्फ पब्लिशिंग भी सीख जाओ ना तो उसका भी जो आप फीस देकर आए तो वो भी आपकी वर्थ करेगी जब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग कोर्स में चीजें क्या है देखिए मैं वो नहीं चाहता कि मैं आपको कह दू कि हाँ जी आओ लाजमी आओ क्योंकि हम लोग हमारा मकसद ये है ही नहीं कि हमने पैसे कमाने हैं आप लोगों से लिटरली बता रहे हैं ठीक है हमारा मकसद ये कि हमने सिखाना है आप लोगों को और मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों ने चार दिन का कोर्स लिया अभी कल का दिन पढ़ा है लेकिन आप लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके कोर्स ले लो आपको कभी भी ऐसा एटमोसफियर नहीं मिलेगा कहीं पे आपको टीचर आपसे चौबीस घंटेक्ट हो जहाँ पर आप लोगों से बात इवन नॉट जस्ट यहाँ पे उसके बाद भी इन कॉन्टेक्ट आपसे रहेंगे इनशाला हमेशा आप लोगों से राबे में हो आप लोगों को इतनी चीजें सिखाई एक ही कोर्स में जा रही हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग के अंदर काफी सारी चीजें मैं यहीं से बताया एक तो पहले दिन वही इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आपका

पैरल स्ट्रेटजीज़ हैं स्ट्रेटजीज़ कैसे आपने यूज करनी है रूल ऑफ एमरेड है अपेंडिस क्या होती हैं क्लोस्ट्री क्या होती हैं साइटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है टेबल्स फिगर्स ये सारी चीजें आपने कहाँ यूज करनी है कैसी मिस्टेक्स करनी नहीं कर ये सारी चीजें होंगी ठीक है उसके बाद जो तीसरा दिन है आपका वो डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू पे दिन मतलब वो पूरा दिन ही लिटरेचर रिव्यू पे है जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था उस दिन ये थोड़ा सा लिख के भी दिखाएंगे और थोड़ा सा बताएंगे भी कि लिटरेचर व्यू और वो पूरा एक घंटे का लेक्चर और मैम गुले फना उनका लेक्चर है एक घंटे का लिटरेचर भी होता क्या है ठीक है उन्होंने पी एच डी की हुई है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी भाजपा में प्रोफेसर है वो ठीक है तो वो उनका लेक्चर होता है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ठीक है उसके बाद क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों के पैसे वर्थ करेंगे उसके बाद चौथा दिन आता है जिसपे हम लोग बात करते हैं हमारी सर्चिंग टेक्निक्स पे ये देखें ये वो सर्चिंग टेक्निक्स है की वर्ड है इन्फॉर्मेशन कहाँ से फाइंड करनी है जर्नल्स कौन से हैं आपके पब्लिशर्स कौन से होते हैं कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हो आप सर्च करने के लिए गूगल में कौन सी टेक्निक है गूगल स्कॉलर पे कौन सी टेक्निक है ऑनलाइन डाटा बेसिस कौन से हैं थीसिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पी एच डी डिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एच ईसी की एच ईसी के थीसीस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बहुत एक मतलब इस पे डिटेल पूरा दिन हमने सर्च करना है पूरा दिन सर्चिंग टेक्निक्स पे है लास्ट डे जो आपका है वो अगेन आपकी साइटेशंस पे एंड नोट पे प्लेजल पे आपका लिटरेचर रिव्यू आपका थीसिस स्ट्रक्चर पेपर को रीड करने का तरीका पेपर को बेसिकली पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी फॉर्मेट गाइडलाइन फिर आपको कुछ थीसिस दिखाऊंगा कि थीसिस की लिखने के बाद थीसिस में मिस्टेक्स क्या होती हैं कौन सी मिस्टेक्स होती हैं कौन सी नहीं होती है को कैसे यूज किया जाता है तो वो एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है ठीक है तो शायद आपको कुछ चीजें उसमें सेम भी लगें ठीक है और शायद आपको कुछ चीजें डिफरेंट भी लग गई है ठीक है तो आप, आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कोर्स बहुत मजे का होगा वो भी आप लोग अगर आप लोग उसमें से सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ अगर आप सिर्फ उसमें सर्चिंग टेक्निक से सीख लो अगर आप उसमें सिर्फ पब्लिशिंग के बारे में दो चीजें उसमें ऐसी हैं जो आपने इस कोर्स में नहीं की और लिटरेचर भी डिटेल में और दो गेस्ट स्पीर्स भी आएंगे उसके अंदर ठीक है बताने के लिए इवन हमारे पास प्रोजेक्ट के ऊपर भी अगर आप अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो ठीक है तो मतलब हमारे पास तीन स्पीकर हो सकते हैं दो से तीन स्पीकर भी हो सकते हैं तो मैं ट्राई करूंगा वो प्रोजेक्ट वाला इतना आपको समझ नहीं आएगा

कोई दस से पंद्रह लोगों ने मे बी मे बी मे बी मे बी किया हुआ है तो चलो एक आइडिया हो जाता है थर्टी फाइव तो आ ही जाएंगे और न्यू ऑडियंस बहुत ज्यादा जैसे अब आप लोगों ने कोर्स लिया आपको पता है कोर्स कैसा है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हो जाके कि हाँ हमने कोर्स लिया है उस कोर्स की ये वर्थ है आपको वाकई फायदा होगा या नहीं फायदा होगा तो एटलीस्ट आप सबको पता है तो आप उस कोर्स को खुद बता सकते हो लोगों को अगर अभी तक हमारी पब्लिसिटी ऐसी होती है हम लोग खुद कहीं जाके हम स्पॉन्सर्स नहीं करते ऐड अपने हमारे कोई स्पॉन्सर नहीं हो रहा होता हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार वो कोर्स वाकई आपका फायदा है आप ले सकते हो नंबर वन नंबर uh, टू uh, आप लोग लोगों uh, कोर्स ले चुके इंशाल्लाह साइंटिफिक राइटिंग हम मार्च के फर्स्ट वीक में करेंगे हम uh, मेरा पूरा इरादा है और साइन का अगर दूसरा कोर्स मुझे अरेंज करना पड़ा तो वो भी मैं उसी दौरान कर लूंगा तो खैर पांच दिन का ही कोर्स होगा मैं उसको शॉर्टन नहीं कर रहा इस वजह से कि जो नए लोग आने वाले होंगे उनके साथ ज्यादा होगी कि फिर वो पैसे भर के आ रहे हैं उनको वो आधी चीज मिल रही है सीखने को चीज ये सारी सिखाऊंगा वन टू ऑल सिखाऊंगा बल्कि उसमें मैं ट्राई करूंगा रिटर्न वर्क जैसे आज हमने किया उनको भी हम करके दिखाएं ताकि उनको फिर एक्स्ट्रा उनको खपना ना पड़े तो इनशाला एक अच्छा कोर्स होगा वो भी तो कल हम फिर डिस्कशन करेंगे ओवरऑल पूरा जैसे लिटरेचर लिख लिया आज हमने कल हम इंट्रोडक्शन एब्रैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेटमेंटिस स्टेटमेंट एम्स एंड एंड पे कंक्लूजन प्रपोज मैथोलॉजी सैम्पलिंग इन सारी चीजों को हम लिख कर देखेंगे लिख के देखेंगे ठीक है कैसे लिखेंगे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दो घंटे आई थिंक हो चुके हैं और जो 40-50 लोग बैठे हैं थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी तक सुन रहे हो समझ आ गई आई होप सो आपको आज की चीज कोई इशू है तो पूछ लें आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मुझे बाद में मैसेज कर सकते हैं मॉल वेज अवेलेबल ठीक है तो कभी भी आप लोग पूछ लिया करें तो हाँ कभी कभी होता है आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अगना आप सेंड कर देंगी कल की रिकॉर्डिंग कभी कभी हो जाता है सेंड करने में आपसे कॉन्टैक्ट करने में लेट हो जाती है तो वो हम बिजी तो इंसान है बिजी हो जाते हैं तो वो आप लोग टेंशन ना लिया करें हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी चले ठीक है ना आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में आ, फिर हम यहाँ सेंड करते हैं मीटिंग को ठीक है कोई चीज़ आई थिंक रहनी गई थैंक यू सो मच एवरीवन और इंशाल्लाह बस उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएं जाएं ठीक है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ एवरीवन आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग अल्लाह हाफिज़